हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम दोस्तों। आज का ये जो प्रोग्राम, आज संडे और आपका आराम का दिन, बहुत सारे दोस्तों का आज छुट्टी है, बट हमारा जो प्रोग्राम है वो नॉन स्टॉप है। तो बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे दोस्त इस प्रोग्राम का बढ़िया फायदा उठा रहे हैं, तो मैं उन सभी दोस्तों को कहना चाहूँगा कि ये जो आप इस टाइम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी प्राइज आपको मिलने वाली है। आज से 18 साल पहले जब मैं इस सिस्टम में आया था, तो ये संडे और मंडे मैंने सारी ख़त्म कर दी, और अगर मैं आज बात करता हूँ तो मेरे लिए हर रोज ही संडे और हर रोज ही मंडे है। तो जितने भी गेस्ट हैं आज पहली बार इस प्रोग्राम में, उनके लिए हम स्वागत करेंगे, उनका मोस्ट वेलकम आज के स्पेशल प्रोग्राम में तहे दिल से। और जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रोग्राम में हर रोज आते हैं और अपनी टीम के साथ अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हैं, और उनको जितना भी हम लोग एनकरेज कर सकते हैं अपने शब्दों द्वारा, अपने एक्सपीरियंस द्वारा, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोगों ने इस प्रोग्राम को दिल से एडॉप्ट किया है, और इसीलिए हर रोज आप अपने बहुमूल्य समय को लेकर इस प्रोग्राम में आते हैं। तो दोस्तों, जैसे इस प्रोग्राम का थीम है कि आज दो आपको प्रोग्राम के दो आज मुख्य आकर्षण हैं, अट्रैक्शन हैं। पहला तो आज ओपीपी है, खासतौर से हमारे नए गेस्ट के लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस अपॉर्चुनिटी का, और नंबर टू, आज मैं आपको कुछ उन लोगों के बारे में मुलाकात कराने वाला हूं जिन्होंने इस दौरान में, पिछले काफ़ी टाइम से हम ऑनलाइन जूम मीटिंग कर रहे हैं, लगभग 8 महीने से, और हर रोज आप लोगों की सपोर्ट से ये प्रोग्राम चल रहा है, और हर रोज कोई ना कोई लीडर अपनी प्रेजेंस लगाता है इस प्रोग्राम में, और जिसकी वजह से ये प्रोग्राम चल रहा है, और उनकी टीम के साथ भी हम काम कर रहे हैं। तो काफ़ी क्लोज हो गए हैं, जहाँ हम महीना, 2 महीना, 6 महीने में मिलते थे, आज लगभग हर रोज शाम को तो मिल ही जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई हमारे साथ एज ए टेक्नोलॉजी। तो आज मैं उनकी शेयरिंग कराऊंगा जिन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन की कुछ डेमोज भेजी थी, और बहुत ही शानदार डेमो मशीनें भेजी हैं उन्होंने, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है, और आज हम उनको ऑनर भी करेंगे। तो देखते हैं आज के हमारे प्रोग्राम के विनर कौन कौन हैं, और मैं आपको उससे पहले उनकी वीडियो दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि टॉप 3 वीडियोस हैं मेरे पास में। मैं टॉप 3 वीडियोस दिखाऊंगा आपको, और आपको खुद भी लग जाएगा किसकी वीडियो कितनी अच्छी है। और बाकी जो हमारे गेस्ट पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं, उनकी सेवा के लिए, और जितने भी हर रोज़ गेस्ट लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, फिर उनको एक चिंता होती है कि इस बिज़नेस को हम करेंगे तो कैसे करेंगे, कौन समझाएगा, हमें समझाना नहीं आता, बताना नहीं आता, कैसे करेंगे। तो आप सोचिए, इस टाइम वक्त बदल चुका है दुनिया में। जैसे कोरोना आया, तो कोरोना तो अभी 8 महीना पहले आया, तो लेकिन दिक्कतें तो लोगों की ज़िंदगी में कोरोना से पहले भी थी। कोरोना से पहले सभी लोग अमीर नहीं थे, सभी लोग करोड़पति नहीं थे, सब बिल्कुल हेल्दी नहीं थे, सभी वेल्दी नहीं थे। ऐसा तो नहीं था ना कि कोरोना में ही लोगों की हेल्थ खराब हुई, ऐसा तो नहीं है। उससे भी पहले लोगों की स्थिति खराब थी, और कोरोना से ही लोगों की वेल्थ की स्थिति खराब हुई, ऐसा भी नहीं है। कोरोना से पहले भी लोग गरीब थे, है ना। कुछ तो वजह थी ना, दो वजह मेजर थी जो मेरा मानना है, शायद आप भी इस बात से सहमत होंगे। पहली वजह थी कि लोगों को जिंदगी में मौका नहीं मिला, और ये बात समझ आती है कि जब जिंदगी में मौका ना मिले तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बट दूसरी चीज
कि मौका मिलने के बाद भी लोग काम नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं लापरवाही। जब आप लापरवाही करते हो तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। तो आपकी जिंदगी में आज तक ऐसा हुआ कि आप लापरवाह थे या आपको मौका नहीं मिला? दो में से एक कारण हुआ होगा आपकी जिंदगी में जिसकी वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हैं। जो भी हैं, अगर आप कामयाब हैं, आपकी जिंदगी बढ़िया चल रही है, तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक की बात है आपके लिए, खुश नसीब हैं आप, आपको भगवान की कृपा है, आप ब्लेस्ड हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी में जब मैं दिल्ली हिमाचल से फरीदाबाद आया तो मेरे पास भी स्ट्रगल थे, मेरे पास भी स्ट्रगल था क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मैंने छोटी मोटी नौकरी की, छोटे मोटे काम धंधे किए, तो जिंदगी निकल रही थी, कट रही थी, लेकिन जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा, अल्टीमेट लाइफस्टाइल होगा, ऐसा कभी सोचा नहीं दूर दूर तक। क्यों? मौका नहीं था। बट जब मौका मिला तो मौके का हमने फायदा उठाया, मेहनत की, काम किया, हर रोज मेहनत की, हर रोज, मतलब सुबह निकलते थे तो रात को घर में आते थे। और पहले 10 साल का ये पता नहीं है कि पहले 10 साल हमने अपने आप को झोंक दिया। आज मुझे 19 साल हो गए हैं, 18 साल के आसपास। तो अगर मैं पिछले 8 साल की बात करूं, ऑब्वियसली लाइफ बदली है, लाइफ अलग है, काम करने का तरीका बदल गया है, जिंदगी जीने का तरीका बदल गया है, लाइफस्टाइल बदल गया है, हर चीज बदल गई है पिछले 8 सालों में। बट पहले 10 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की। तो दोस्तों, रिजल्ट आए, पहले रिजल्ट इसलिए नहीं आया कि मौका नहीं था, और बाद में जब मौका मिला हमने काम करना शुरू किया, रिजल्ट आ गए। और हम जैसे आज हजारों लाखों नहीं, करोड़ों लोग पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री से अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। तो अब तो शिकायत करने का मौका खत्म है जिंदगी में गरीब आदमी को, कि भाई साहब मैं तो गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, मौका नहीं है, बोल ही नहीं सकते। अगर बोलेंगे, ऊपर जाएंगे भगवान के पास, तो बोलेगा भाई साहब काहे को झूठ बोलते हो, आप जैसे करोड़ों लोगों ने जिंदगी बदल दी, आपसे बहाने मारते रहे, आपके पास एक्सक्यूज थे एक से एक, हर रोज आप एक्सक्यूज लेके उठते थे और एक्सक्यूज लेके सोते थे, इसलिए आप बेरंग वापिस आ गए, बिना रंगीन किए हुए लाइफ को, बिना कलरफुल लाइफ किए हुए, है ना। तो कहने का मतलब यह दोस्तों कि आज ये अपॉर्चुनिटी है, ये उन लोगों के लिए वरदान है जैसे कि हम जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने जिंदगी में सोचा था कि जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि आज जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, जिस अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ को बदला है इस इंडस्ट्री ने, तो 21वीं शताब्दी का ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है जिसमें आम आदमी भी अपने सपनों को, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पूरी दुनिया की, और बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री के माध्यम से आज लोग अपनी लाइफ में अमेजिंग, अनबिलीवेबल ग्रोथ ले रहे हैं। सपने में नहीं सो सकते हैं लोग, ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। और जो सपने नहीं देखते थे, आज वो लोग सपने भी देख रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन है और आप स्क्रीन में देख सकते हो, इस स्क्रीन में पता लग जाएगा आपको कि आप कैसे कैसे सपने देख सकते हो अपनी जिंदगी में। तो दोस्तों, आम लोगों को सपने देखने का आज मौका मिल रहा है। उसकी वजह है कि आज दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कियांस इंटरनेशनल, जो कि 25 साल से पूरी दुनिया में 190 देशों और रीजन्स में 4 करोड़ फैमिली के साथ काम कर रही है, और इस कंपनी के फाउंडर का एक ही सपना है, वन वर्ल्ड वन फैमिली। 1037 एकड़ में फैला हुआ ये बहुत ही आलीशान, बहुत ही शानदार हेडक्वार्टर है इस कंपनी का, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इस कंपनी के फाउंडर दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, जिन्होंने इस कंपनी को वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाया है, यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्था ने हमारी कंपनी को अपना फ्लैग दिया हुआ, झंडा दिया हुआ है। आप देखिए कंपनी की प्रोफाइल से पता चलता है कि कंपनी की प्रोफाइल कितनी सॉलिड है, क्योंकि 4 चीजें बड़ी जरूरी है इस इंडस्ट्री में, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, प्लान ऑफ द कंपनी एंड पेआउट ऑफ द कंपनी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर चारों पिलर स्ट्रांग है तो आपका यहाँ पर कैरियर बहुत शानदार बन सकता है। और आप देख सकते हैं आज कंपनी के पास बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसकी दुनिया भर की यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है, हिंदुस्तान की MIT यूनिवर्सिटी और KR मंगलम यूनिवर्सिटी के साथ भी इस कंपनी का टाई अप है। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर के साथ में मुलाकातें, CEO मेंबर ऑफ WFDSA, IDSA के मेंबर,
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम, इसके अलावा नास्डेक में फुल डे की एड है ग्लोबल ब्रांडिंग के तहत त्यांस की, और हिंदुस्तान में पिछले 18 साल से हम काम कर रहे हैं, 18 ईयर्स हो गए हैं, 2002 में कंपनी आई थी इंडिया में। आज मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया के तहत हिंदुस्तान में हम मैक्सिमम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हजारों सर्टिफिकेट्स और अवार्ड इस कंपनी को मिल चुके हैं, 100 से भी ज़्यादा स्टोर है इस कंपनी के इंडिया के अंदर। तो उसकी वजह है दोस्तों इस कंपनी की इतनी ग्रोथ के पीछे, क्योंकि इस कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं बहुत ही यूनिक हैं और हाई क्वालिटी के हैं, जो कि इस कंपनी की रीढ़ की हड्डी हैं। 45 प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है इस कंपनी की, जिसमें मशीनें हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मशीनें हैं जो टेक्नोलॉजी वाइज साइंस वाइज बहुत ही एडवांस हैं और हज़ारों साल पुरानी साइंस के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त सप्लीमेंट है हमारे पास, पर्सनल केयर और होम केयर की रेंज है हमारे पास में, और जो आज की डेट में हवा पानी खाना पीना लाइफस्टाइल है, जिसमें हेल्थ इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है बहुत सुपर डुपर है, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत कम लोग हेल्दी हैं, 5% लोग हेल्दी हैं, 15% लोग बीमार हैं, और 80% लोग ऐसे हैं ना तो ठीक है ना ही बीमार हैं। तो पूरी दुनिया में हेल्थ की भी क्राइसिस है, जैसे वेल्थ की क्राइसिस है ऐसे हेल्थ की भी क्राइसिस है। और हमारी कंपनी ने एक जड़ी बूटी इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है कॉर्डिसेप्स, जिसको हिमालयन गोल्ड कहा गया है, और ये चमत्कारिक जड़ी बूटी है जो पूरी बॉडी के लिए, पूरी बॉडी की इम्यून सिस्टम के लिए, अगर हम खास तरीके से बात करें हार्ट के लिए, लीवर के लिए, लंग्स के लिए, किडनी के लिए, और आपकी वाइटिलिटी के लिए, जो कि मेजर फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के, उसमें रामबाण औषधि की तरह ये फूड सप्लीमेंट काम करता है। पूरी दुनिया में धूम मचाई है सप्लीमेंट ने, ये त्यांस के पास। फिर स्पिरुलिना दुनिया का सबसे बेस्ट फूड माना गया है, एक कैप्सूल में 1 किलोग्राम सब्जी से भी बढ़िया इसके अंदर इंग्रेडिएंट हैं, इतने सारे सप्लीमेंट हैं, इतने सारे इसमें रॉ मटेरियल है कि अगर आपने एक कैप्सूल इसका यूज कर लिया तो 1 किलोग्राम सब्जी यूज कर लिया आपने। सोचिए 2 सुबह 2 शाम ले लें या 2 दिन को भी ले लें तो सोचिए आपकी बॉडी कितनी अच्छी हो जाएगी। तो स्पिरुलिना है हमारे पास में, फिचिटोसन है हमारे पास में जो कि लीवर के लिए जबरदस्त है, हार्ट के लिए ओमेगा है हमारे पास में, और जिनको डायबिटीज की समस्या है उनके लिए जिम्नेमा है, मल्टीविटामिन की कमी ना हो उसके लिए मल्टीविटामिन है, जिंक के लिए जिंक है हमारे पास, आयरन चाहिए आपको, खून की कमी ना हो, ग्रोथ हो बच्चों की, बड़ों की, आंखों की रोशनी अच्छी रहे, खाया पिया बॉडी में लगे, कमजोरी ना आए, इम्यून सिस्टम मजबूत हो, तो उसके लिए जिंक है, आयरन है, मल्टीविटामिन है। दोस्तों इसके अलावा बच्चों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन है प्रोकिड्स के नाम से, बड़ों के लिए प्रोटीन है, और डायबिटीज लोगों के लिए प्रोटीन है, और साथ में हमारे पेट के लिए एफएस पाउडर है। बात करते हैं ओपीसी टी पॉली और हाई फाइबर, ये ऐसे सप्लीमेंट है जो हर आदमी की जिंदगी में इनकी सख्त जरूरत है। तो ये वो सप्लीमेंट है दोस्तों, अगर आप अपनी उम्र को लंबा चाहते हो, लंबी उम्र चाहते हो, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, हेल्दी जिंदगी जीना चाहते हो तो इनको खाना पड़ेगा पहले, अभी खाएंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बाद में डॉक्टर खाने को बोलेगा। डॉक्टर क्यों बोलेगा? क्योंकि हेल्थ स्थिति हमारी खराब हो जाएगी, तो डॉक्टर के कहने पर खाना पड़ेगा। तो समझदारी किसमें, खुद खाने में या डॉक्टर के कहने से खाने में? खाना तो पड़ेगा, आज खा लो नहीं तो बाद में खाना पड़ेगा। अब बात करते हैं, आज आपके घर में टूथपेस्ट यूज होता है कौन से वाला है? फ्लोराइड है उसके अंदर, ये नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट है, दांतों के लिए, मुंह के लिए बहुत ही शानदार है, और नेचुरल चीज है इसके अंदर, नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जड़ी बूटियां इसके अंदर, आंवला और नीम से बना हुआ हेयर ऑयल है, नॉन स्टिकी है, आपके बालों के लिए बहुत ही शानदार है, और 2-in-1 शैम्पू है, शैम्पू विद कंडीशनर नेचुरल। सोचिए हर रोज घर में यूज हो रहे हैं, अलग अलग किस्म की सोप है, डिश वॉश है बर्तन धोने के लिए, हैंड वॉश है हाथ धोने के लिए, और इसके अलावा हमारी बहन बेटियां जो 10-12 साल से शुरू करती हैं और 40 से 50 साल की उम्र तक हर महीने यूज करने वाला प्रोडक्ट है। मार्केट के प्रोडक्ट में इतने घटिया क्वालिटी के केमिकल यूज किए गए हैं जिसकी वजह से अनजाने में हमारी करोड़ों बहन बेटियों की आज जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है, नर्क बन गया है, बिकॉज घटिया क्वालिटी के नेपकिन यूज कर रही हैं। वर्ल्ड क्लास नेपकिन हमारे पास है, वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट नेपकिन, जिसमें एंटीबैक्टीरियल चिप लगी हुई है, और साथ में हर पैकेट में एक इन्फेक्शन टेस्ट कार्ड दिया है कंपनी ने गिफ्ट में। तो वर्ल्ड का बेस्ट नेपकिन आपको मिल रहा है, और करोड़ों लोगों की बहन बेटियों की जिंदगी आज हमने बचाई है साइलेंट किलर बीमारी से। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आज हमारे हम गिफ्ट देने वाले हैं उन लोगों को जिन्होंने अपनी डेमो दिया हमें, बहुत शानदार डेमो जिन्होंने भेजी है, ऐसे लोगों को गिफ्ट करेंगे, उन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी मसाज मशीन के फायदे बताए हैं।
जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए अमेजिंग है, फंटास्टिक है। 250 से ज्यादा एक्यूप्रेशर के पॉइंट है और स्पाइरल वाइब्रेशन है। 15 मिनट खड़े होने का मतलब है 5 किलोमीटर की जॉगिंग के जितना ब्लड सर्कुलेशन, और अनगिनत 250 से ज्यादा हेल्थ बेनिफिट है और मेजर बेनिफिट आप देख सकते हैं, स्क्रीन में पढ़ सकते हैं, नहीं तो अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप उसमें भी बहुत सारी बातें सुन सकते हैं। तो ये है आप दोस्तों मशीन है जिसके बारे में बताएंगे आज आपको, फिर आप देखिए हमारे पास में एक ऐसी मशीन है जो उल्टे हाथ को चेक करके ये बता देगी आपकी बॉडी में क्या बीमारी है। इस मशीन की खासियत है आपकी बॉडी में क्या बीमारी है ये मशीन बता देगी, और आपको ये भी बता देगी ठीक कैसे करना है। ये मेरे पास है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये वो मशीन है जो आपके स्क्रीन में भी देख रहे हैं और मेरे हाथ में देख रहे हैं। इस मशीन के माध्यम से हम देख सकते हैं आपकी बॉडी में क्या बीमारी है और कैसे इसको चेक करना है, कहाँ ब्लॉकेज है, और फिर इसी से कैसे आप ठीक भी कर सकते हो। तो ये अमेजिंग प्रोडक्ट है हमारे पास, पूरी दुनिया में इसने धूम मचा रखी है, FDA ने अप्रूव किया हुआ इसको और पूरी दुनिया में पेटेंट किया हुआ इस प्रोडक्ट को। इसके अलावा बात करते हैं, ब्रेसलेट है, एनर्जी के लिए अच्छा, रेडिएशन से बचाता है, और मल्टीफंक्शनल हेड मसाजर है जो बीपी के लिए, लो बीपी हो या हाई बीपी हो दोनों को बैलेंस करता है, और उसके अलावा दर्जनों फायदे हैं इन प्रोडक्ट के। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, बहुत अनगिनत फायदे हैं। हमारी वो कहानी है फायदा एक बताएंगे लेकिन मिलेगा 10, ऐसा नहीं है बताया तो 20 और मिले 2, ऐसा नहीं है। हम बताते कम है लेकिन फायदे बहुत ज्यादा हैं हमारे प्रोडक्ट के। और इसके अलावा हाइड्रोजन कप है, हाइड्रोजन से पानी पे, हाइड्रोजन वाटर को पीने से आपकी बॉडी में अमेजिंग चमत्कार होते हैं, और इस टेक्नोलॉजी को नोबल प्राइज मिल चुका है मेडिकल साइंस में, नोबल प्राइज। 100 से भी ज्यादा साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है हाइड्रोजन वाटर के ऊपर। तो अमेजिंग प्रोडक्ट है और बहुत ही शानदार पेंडेंट है जो हार्ट के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है। फिर आपके फ्रिज के लिए फ्रिज प्योरीफायर है, और रात को नींद नहीं आती है तो मैट्रेस है, एयर प्योरीफायर है। कितना पॉल्यूशन आज दिल्ली में आपने देखा होगा, पराली जलाने की वजह से कितना ज्यादा गंदगी हो गई है, उसके लिए ना उसकी वजह से बहुत लोगों को सांस की तकलीफ हो गई है, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। और हमारे पास कुशंस भी है और साथ में बेल्ट भी है। तो ये ऐसे प्रोडक्ट है दोस्तों जिसने धूम मचा के पूरी दुनिया में, इसीलिए ये कंपनी पूरी दुनिया में छा गई है। फिर हमारी कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है और जो पे आउट है वो भी सुपर डुपर है। 3-in-1 मार्केटिंग प्लान है, 3-in-1, 3-in-1, एक ही में 3 प्लान है, हाइब्रिड बाइनरी प्लान, यूनियन लेवल प्लान, जनरेशन प्लान, ये खास बात है। और हर हफ्ते पे आउट मिलेगा आपको, हर हफ्ते पे आउट बनता है इधर। और खास बात यह है कि आपको एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में आना है। एक्टिव इनकम मतलब जब करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। पैसिव मतलब करेंगे तो मिलेगा, मिलेगा नहीं भी करेंगे तब भी मिलेगा, क्योंकि अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, गरीब लोग नहीं बनाते हैं। तो हमारी जो आज की एजुकेशन यही है सभी लोगों के लिए, अमीरों की तरह काम करेंगे तो अमीर हो जाएंगे, गरीबों की तरह काम करेंगे तो गरीब रह जाएंगे। अब मानो या ना मानो आपकी मर्जी है, क्योंकि जिंदगी अल्टीमेटली आपकी है। तो दोस्तों ये बात मुझे समझ आ गई तो मैंने मेहनत की कि दुनिया के सारे बिजनेसमैन, जितनी भी कंपनियां हैं, सभी लोगों ने अपना अपना नेटवर्क बनाया है तभी वो कामयाब हुए हैं। तो अपना नेटवर्क बनाओ, लोगों को रिकमेंड करो और सेलिब्रिटी का पैसे कमाओ। तो बचपन से लेकर मरते दम तक हम लोगों को सलाह देते हैं लेकिन हमें कुछ मिलता नहीं है। लेकिन आज के बाद आपने क्या करना है, यूनिक प्रोडक्ट की शॉपिंग करिए यहाँ पर हमारे साथ, और इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करो और अपना बिजनेस को खड़ा करो। लाइबिलिटी फ्री, रिस्क फ्री और टेंशन फ्री बिजनेस है साथ में। तो जो टियांस है ये डिजिटल बिजनेस है, आज अपने मोबाइल फोन से इस बिजनेस को कर सकते हो आप, कर लो दुनिया मुट्ठी में। 18 साल की उम्र होनी चाहिए, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल, एड्रेस प्रूफ, 3 चीजें होनी चाहिए। अभी इस प्रोग्राम के खत्म होते ही आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर सकते हो, ऑनलाइन ही आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो और ऑनलाइन ही आप होम डिलीवरी ले सकते हो। तो दोस्तों अब करना क्या है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम करना है, 4 में से 1 कार्ड। ब्रॉन्ज से शुरू करो, सिल्वर से, गोल्ड से या प्लेटिनम से, जहां से आप कर सकते हो तो आपके पास है, किसी भी कार्ड से शुरू करो। आपकी पोजिशन क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ये डिसाइड करेगी आप किस कार्ड से शुरू करोगे। आपके पास पैसे नहीं है तो शायद ब्रॉन्ज कार्ड से करना भी आपके लिए पहले इंतजाम करने वाली बात हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। 3-स्टार ब्रॉन्ज कार्ड, उसके लिए 100 BV, BV का मतलब होता है बोनस वॉल्यूम, इसी के ऊपर हमें प्रॉफिट मिलता है। लगभग 10,000 रुपए की शॉपिंग करेंगे तो आपको मिलेगा ब्रॉन्ज कार्ड, 3-स्टार बन जाएंगे आप। अगर आपने 200 BV 20,000 रुपए की शॉपिंग की लगभग तो आप सिल्वर कार्ड बन जाएंगे, 4-स्टार। लेकिन अगर आपने 400 BV 40,000 के आसपास की शॉपिंग की तो गोल्ड बन जाएंगे, 4-स्टार।
और अगर आपने खुद का गोल्ड किया और नीचे ए और बी भी खुद ही गोल्ड किया, तीनों गोल्ड 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 किया आपने, तो आप एक सेकंड के अंदर 5-star प्लेटिनम खुद ही बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना इंतजाम नहीं है तो खुद का गोल्ड कीजिए। ए और बी आउटसाइडर हो सकते हैं, बाहर के लोग हो सकते हैं, और वो लोग हो सकते हैं जो अपनी जिंदगी को बेटर करना चाहते हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं। ऐसे दो लोग चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे दो लोग मिल गए अपने जैसे और वो भी सीरियस हो गए, तो आपकी जिंदगी में क्या चमत्कार हो सकता है वो हम आगे देखेंगे। आप देखिए, पहली इनकम यहाँ आती है रिटेल इनकम। जो भी घर में आप शॉपिंग करते हो, सबसे ज्यादा रिटेल सेविंग कहाँ पर है? प्लैटिनम कार्ड में। ब्रॉन्ज में भी फायदा है, सिल्वर में भी फायदा है, गोल्ड में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा मार्जिन कहाँ पर है? प्लैटिनम कार्ड में। आप देखिए, अगर आपने टूथपेस्ट लिया, प्लैटिनम को 117 रुपए का टूथपेस्ट पड़ता है, नेपकिन प्लैटिनम को 100 रुपए का पड़ता है, और ब्रेसलेट प्लैटिनम को 4,500 का पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि किसको कितने का पड़ रहा है, लेकिन सबसे सस्ता किसको पड़ता है? प्लैटिनम को। इसीलिए हमको जल्दी से जल्दी प्लैटिनम पे पहुंचना है। चाहे आप शुरू ब्रॉन्ज से करो, 100 BB, 200 BB, 400 BB गोल्ड हो गया जिंदगी में एक बार, फिर दो लोगों को गोल्ड कराया, हो गया प्लैटिनम। जिंदगी में एक बार आपको प्लैटिनम बनना है। दूसरी इनकम क्या है? आपको कुछ लोगों को बहुत जल्दी इनकम चाहिए, फास्ट इनकम चाहिए। मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूंगा, आप जितने चाहो उतने लोगों को जोड़ सकते हो, और जोड़ना अच्छी बात है, तोड़ना बुरी बात है, राइट? अच्छे काम कीजिए, तुरंत संभावनाएं कमाई की, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, डेली वर्किंग डेली इनकम। आप ब्रॉन्ज कार्ड हो, दो ब्रॉन्ज को जोड़ते हैं 1848 रुपया, और अगर आपने ब्रॉन्ज कार्ड है और दो लोगों को गोल्ड करते हैं तो 7,312 रुपया। अब हम देखते हैं कि जो ब्रॉन्ज कार्ड है उसका 10% का डायरेक्ट बोनस $40 और $80 हो गया, प्लस आपका 8% का मैचिंग है, तो 8×4=$32 ये आ गया, तो कितना हो गया टोटल आपका? ये बन जाते हैं 7,312 रुपया। किसी दोस्त ने मुझे मैसेज किया था कि अगर ब्रॉन्ज दो गोल्ड करता है तो कितने पैसे आते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा, इस तरीके से पैसे आते हैं यहाँ पर, ठीक है? डायरेक्ट बोनस और मैचिंग बोनस, 10% डायरेक्ट बोनस है ब्रॉन्ज का, 8% मैचिंग है। ऐसे ही अगर आप गोल्ड हो जाते हैं, 18% डायरेक्ट हो जाएगा और 10% आपका मैचिंग हो जाएगा। दो ब्रॉन्ज कीजिए 3,000 रुपया, अगर दो गोल्ड कर लिया तो 12,144 रुपया। ऐसे जो प्लेटिनम है, अगर आप दो ब्रॉन्ज करोगे तो 3,366, अगर आपने दो गोल्ड कर लिया 13,464। अब इस बात से यह बात समझ आती होगी कि आप ब्रॉन्ज से हो, सिल्वर से हो, गोल्ड है या प्लेटिनम, वो डिसाइड करेगा कि आप ब्रॉन्ज जोड़ो, सिल्वर जोड़ो, गोल्ड जोड़ो, प्लेटिनम जोड़ो, कितना पैसा आपको आएगा। मतलब एक बार जिंदगी में आप मैक्सिमम कार्ड है प्लेटिनम पे आ गए तो सबसे ज्यादा मार्जिन है। ये सिंपल चीज है। तो जल्दी से जल्दी प्लेटिनम बनिए और फिर आप ब्रॉन्ज जोड़ो, सिल्वर जोड़ो, गोल्ड जोड़ो, आपके घर में पैसे आने ही आने, डेली जोड़ो, डेली पैसे आने। तो कुछ लोग जिनको फास्ट इनकम चाहिए, जल्दी इनकम चाहिए, जिनको फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही है, सिर्फ मेहनत की जरूरत है, पैसे की दिक्कत नहीं है इतिहास में। और एक चीज और बताना चाहूंगा, हर आदमी को नहीं समझ आएगा, ये बात अपने दिमाग में डालना है। हर आदमी को अगर समझ आ गया, हर आदमी इस काम को करने लग गया, तो दोस्तों दुनिया के बाकी काम कौन करेगा? सभी लोग अमीर हो गए तो दुनिया के बाकी काम कौन करेगा? इस बात को समझिए, भगवान जो है इम्बैलेंस होने नहीं देगा। इसीलिए हर आदमी को नहीं समझ आएगा, जिसके ऊपर कृपा है, जिसको टाइम आ गया है कामयाब होने का, अमीर होने का, सक्सेसफुल होने का, वही आदमी आपके साथ जुड़ेगा। तो इसलिए डायरेक्ट जोड़िए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। और तीसरी इनकम है स्पेशल इनकम। अगर आपने दो लोगों को जोड़ा तो दो की शक्ति देखिए आप। अगर आपने दो लोगों को जोड़ा, मतलब दो लोगों को सिखाना है जिंदगी में, आप ब्रॉन्ज कार्ड से जुड़िए, धीरे धीरे देखिए इनकम, छोटी इनकम आएगी। शुरू में मेहनत ज्यादा है, इनकम कम है। शुरू में मेहनत ज्यादा है, इनकम कम आ रही है, थोड़ी थोड़ी इनकम आ रही है, गुजारा कीजिए। आपको समझना है बात को। आज बिजनेस शुरू करो, क्या आज ही आप लाखों रुपए कमाना शुरू कर देंगे? आज कोई पेड़ लगाएंगे, क्या एकदम फल मिल जाएगा आपको? आज ही बच्चा पैदा हो गया, क्या वो दौड़ना शुरू हो जाएगा आपका? तो कई बार क्या होता है, जिन लोगों ने जिंदगी में बिजनेस नहीं किया ना, वो बहुत शॉर्ट साइटेड होते हैं। उनकी लॉटरी मेंटेलिटी होती है, जैसे लॉटरी की टिकट ले ली ना, लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो खत्म। बिजनेस है ये, कोई लॉटरी नहीं है। जैसे हर चीज में समय लगता है, जिंदगी में कामयाब होने के लिए समय लगता है। हम कामयाब होना चाहते हैं, अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो पेशेंस बनाना है, लगे रहना है और टिके रहना है।
टिके रहना है, लगे रहना है अपनी टीम में। लेफ्ट टीम राइट टीम दो टीम में काम कीजिए, लेफ्ट में काम राइट में काम, लेफ्ट में काम राइट में काम, टीम में काम हो रहा है, काम हो रहा है टीमों के नीचे, नीचे जा रही टीम धीरे धीरे देखिए नीचे इनकम आपकी मल्टीप्लाई होती जा रही है। जितना लेफ्ट में जाएगी टीम उतने इनकम मैचिंग इनकम, लेफ्ट में काम राइट में काम मैचिंग, ब्रॉन्ज में भी इनकम है। हाँ प्लेटिनम जब पहुंच जाते हैं तो थोड़ी मोटी इनकम शुरू हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, आप ब्रॉन्ज से शुरू कीजिए और अगर आपके बस का है तो प्लेटिनम से शुरू कीजिए, जहां से मन करे आपका, कोई दिक्कत नहीं है। और जिंदगी में दो लोगों को आपने इंट्रोड्यूस किया, उनके साथ काम करना शुरू किया, ब्रॉन्ज कार्ड में भी 25 लाख रुपए आते हैं साल के, सिल्वर पे 50 लाख रुपए साल के, गोल्ड पे 95 लाख रुपया, और प्लेटिनम कार्ड होता है उसको साल में 1.5 करोड़ रुपए आ सकते हैं। मतलब 10-15 लाख रुपए की इनकम मामूली नहीं होती है किसी आम आदमी के लिए आज की डेट में, वो सपने में सोच नहीं सकता कमाने की 10 लाख रुपए महीना। और हम धन्य हैं, हम आम आदमी, हम आम परिवार के लोग जिनकी जिंदगी में 10 लाख रुपए महीना की इनकम देखने का सौभाग्य मिला, हम तो भगवान का शुक्र मनाते हैं, हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। तो दोस्तों आपने भी नहीं सोचा होगा लेकिन ये चमत्कार आपके साथ भी होगा, बट टिके रहना है, लगे रहना है, दुनिया की बातों में नहीं आना है, लोग आपको डिस्करेज करेंगे डीमोटिवेट करेंगे। इसलिए अब बात करते हैं चौथी इनकम। तीसरी इनकम जबरदस्त है, पूरी दुनिया में मैचिंग इनकम ने धमाल मचा रखा है, जो मोटी इनकम है ना वो मैचिंग इनकम है। इसलिए मैचिंग पे बोनस पे टीम पे काम कीजिए, टीम पे लेफ्ट में काम कीजिए राइट में काम कीजिए और ध्यान दीजिए अपनी टीम के ऊपर। फिर चौथी इनकम है कोचिंग बोनस। सिल्वर कार्ड को तो 2 लेवल मिलता है, गोल्ड को 3 लेवल मिलता है और प्लेटिनम को 4 लेवल। मतलब सबसे ज्यादा किसको मिलता है कोचिंग बोनस? प्लेटिनम को। जिंदगी में एक बार बनना है हर चीज आप क्वालिफाई कर जाएंगे, प्लेटिनम को मिलेगा कोचिंग बोनस। पूरी टीम जितना पैसा कमाएगी उसका 5% आपको मिलेगा। अगर आपकी टीम ने 1 करोड़ रुपए कमाया सबने, आपको उसका 5% एक्स्ट्रा मिलेगा, ये होते हैं 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा इनकम। कोचिंग बोनस पूरी दुनिया में सिर्फ टियांस कंपनी दे रही है, तो आपको प्राउड फील होना चाहिए। ये कोचिंग बोनस आपको किसी दूसरी कंपनी में नहीं मिल रहा है, ठोक बजा के बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए टियांस का कंपटीशन सिर्फ टियांस से, किसी दूसरी कंपनी से नहीं है दुनिया में। नंबर 5th है यूनिलेवल इनकम। यूनिलेवल इनकम सिल्वर को 5 लेवल, गोल्ड को 8 लेवल और प्लेटिनम को मिलते हैं 10 लेवल। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किसको मिलता है? प्लेटिनम को यूनिलेवल बोनस, 5वां इनकम। तो आपको जल्दी से जल्दी, बस एक बार प्लेटिनम बन गए ना, अपना काम हो गया खत्म क्वालिफाई करने का, अब तो इनकम कमाने के लिए हमें काम करना है। आप देखिए दो टीम से काम करो 84,000 रुपीज, सिर्फ शॉपिंग करनी है कितनी, हर महीने आपने 20 BV लगभग 2,250 रुपए का सामान अपना परचेज कर लिया। अगर आपने 2,250 रुपए का सामान आपने परचेज किया तो आपकी टीम में हर आदमी हर महीने कमा इतना सामान खरीदता है तो 84,000 रुपीज आ सकते हैं दो टीम से। लेकिन गलती से अगर ये 4 टीमें होगी ना दोस्तों, तो ये इनकम देख के आपके होश उड़ जाएंगे, 5.5 करोड़ 1 मंथ। अगर ये 6 टीमें काम कर रही होगी ना आपकी 6 लाइनें, तो ये इनकम है 10 लेवल में 72 करोड़ रुपीज 1 मंथ का। तो दोस्तों मैं इतने कहना चाहूंगा, अगर 1%, ये तो 100% है इनकम, अगर 1% भी आने लग गया ना तो भी इनकम करोड़ में ही है। तो आप समझ सकते हैं बात को कि मामला बहुत सीरियस है, ये आम बिजनेस नहीं है जिंदगी में, आम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है टियांस। यूनिलेवल जो प्लान है ना, ये हाइब्रिड प्लान, ये सिर्फ टियांस के पास है कोचिंग बोनस के साथ, किसी और कंपनी के पास नहीं है हिंदुस्तान में, थोक बजा के बता रहा हूं फिर आपको। 6th इनकम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस। कैशबैक भी बढ़ेगा, 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार बनेंगे, ऊपर के लेवल पर जाओगे कैशबैक बढ़ेगा, साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस आपको अलग से आएगा, डिफरेंशियल बोनस। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा आइडिया लग गया कि प्लेटिनम की बल्ले बल्ले है, बस ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम किस कार्ड से शुरू करना है ये दिमाग में, अभी ये डिसाइड करना है किस कार्ड से शुरू करना है और जल्दी से जल्दी हमको प्लेटिनम बनना है, दैट्स इट। ये पहली बात है। दूसरी बात है इनकम, पता लग गया आपको मोटी मोटी। 7वीं इनकम है पूरी दुनिया में जो कंपनी बिजनेस करेगी रॉयल्टी मिलती है, ग्लोबल रॉयल्टी, इंडिया की रॉयल्टी, 2 रॉयल्टी मिलती है, इलीट बोनस जिसको बोलते हैं, ब्रॉन्ज लाइन सिल्वर लाइन गोल्डन लाइन डायरेक्टर, जब ऐसी लेवल पे आप आते हो तो आपको शानदार पूरी दुनिया की रॉयल्टी मिलती है। पूरी दुनिया में जो भी बिजनेस होता है इस कंपनी का, उसके फायदे आपको भी कंपनी बांटती है हर महीने,
मजा आएगा कि नहीं आएगा? पूरी दुनिया में जो बिजनेस होता है कंपनी का, उसका फायदा आपको भी मिलेगा। इस लेवल पे जाना है कि नहीं जाना है, इसलिए मेहनत करनी है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मत सोचना, शॉर्ट टर्म के हिसाब से मत काम करना, लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म के लिए ईमानदार होना बड़ा जरूरी है, अपने सीनियर को सुनना बड़ा जरूरी है, कामयाब लोगों को फॉलो करना बहुत जरूरी है, और सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सिस्टम से ही कामयाबी मिल सकती है। मेरे में कोई दम नहीं था, ये सिस्टम की पावर है जिसकी वजह से आज हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं। और आठवीं इनकम है लग्जरी इनकम, जिसको बोलते हैं कार फंड और घर के लिए फंड। $30,000 $19,80,000 गाड़ी के लिए मिलते हैं, और $1,12,00,000 $1,70,000 आपको मिलते हैं घर के लिए। तो उसके अलावा नवा इनकम है आपके लिए वर्ल्ड टूर, पूरी दुनिया घूमने का सपना है आपका फ्री में, सिर्फ ट्यांस में पॉसिबल है। और फिर गिफ्ट में आपको चाहिए मोबाइल, सबको चाहिए आजकल मोबाइल में काम करना सारा, है ना, फ्री का मोबाइल, फ्री का लैपटॉप चाहिए, ध्यान से मिल जाएगा। दुनिया घूमनी है, ध्यान से मिल जाएगा। आपके बाद आपके बच्चों को जीरो से काम शुरू नहीं करना पड़े, कैसा रहेगा? इस बिजनेस की ब्यूटी है, जिस लेवल पे आप पहुंचेंगे वही लेवल आपके बच्चों को गिफ्ट हो जाएगा। मजा आएगा कि नहीं आएगा आपके बच्चों को और आपको? बिल्कुल आएगा। ये सौभाग्य हमें भी मिला था दोस्तों आज से 18 साल पहले, और हम लगे रहे, टिके रहे, टिके रहे, लगे रहे, और ये तस्वीर आपके सामने खुद बोलती है। कहते हैं ना, 1,000 शब्दों के लिए तस्वीर ही काफी है, बोलने की जरूरत नहीं है। जो मेरे साथ हुआ, मैं दुआ करता हूं आप सबके साथ भी यही कुछ हो आने वाले सालों में। ये देख सकते हैं, ये सक्सेस की मिसाल है, यहाँ पे जिंदगी कैसे बदलती है लोगों की, ये आप तस्वीर में देख सकते हो। यहाँ लोगों ने अपनी लाइफ को कैसी लाइफ बना दिया है, जिंदगी एक अलग रूप में, जिंदगी एक अलग जगह पर पहुंच जाती है। ये पावर है इस बिजनेस की। हम जैसे, आप जैसे हजारों लाखों नहीं, करोड़ों लोग पूरी दुनिया में अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। इसलिए डाउट से निकल जाइए, डाउट मत कीजिए, ना खुद पे डाउट कीजिए, ना कंपनी पे डाउट करिए, खुद पे भरोसा कीजिए, कंपनी पे भरोसा कीजिए, क्योंकि ये आपके बिना भी ये कंपनी इतनी बड़ी बन गई है, आपके बिना भी ये कंपनी और बड़ी बन जाएगी। लेकिन अगर आप लगे रहे और टिके रहे, तो एक दिन आप भी अपनी स्टोरी इस तरीके से दिखा रहे होंगे और बता रहे होंगे। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, एक पिक्चर सारी कहानी बता रही है। इस बिजनेस में आने के बाद में किसी आदमी की जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में क्या हो सकता है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है आपके सामने। तो दोस्तों, समझदार के लिए इशारा ही काफी, राइट? और अगर आपका टाइम आ गया होगा, वक्त आ गया है जिंदगी बदलने का, तो मैं बोलता हूं कि आप बिल्कुल विश्वास करेंगे खुद पर, नंबर वन। दुनिया जो मर्जी बोले, आप खुद पे भरोसा करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, आप भरोसा करेंगे कंपनी पे, आप भरोसा करेंगे भगवान पे, आप भरोसा करेंगे लोगों पे, आप भरोसा करेंगे अपनी टीम पर। और फिर देखिए आपकी जिंदगी में चमत्कार होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली हमारी जिंदगी में हो चुका है। और मैं दुआ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और हर रोज शाम को 7 बजे इस प्रोग्राम को करने के पीछे एक ही सपना है कि आप सब लोगों की जिंदगी में ऐसे ही तस्वीरें बने, आप लोगों की जिंदगी में ऐसा ही माहौल बने। और उसके लिए हम सबको यूनाइटेड होने की जरूरत है, हम सबको सबमिशन में आने की जरूरत है, हम लोगों को अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, अपने आप को बेटर करने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस बिजनेस की ब्यूटी है जिसने यहाँ पर लोगों की जिंदगी को बेहतर, आपको थैंक यू करना चाहिए। मैं थैंक यू करता हूँ भगवान का, मैं थैंक यू करता हूँ मैं अपनी फैमिली का, मैं थैंक यू करता हूँ मेरे बिजनेस पार्टनर का, इस कंपनी के फाउंडर का, और मेरे सीनियर्स का, मेरे जूनियर्स का। आप सभी की वजह से आज ये बिजनेस मेरी जिंदगी में शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं, ये हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे इस बिजनेस को अभी सीख रहे हैं, और बहुत जल्दी ये आपको प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे, ये प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, ये आपको ट्रेनिंग दे रहे होंगे। यंग ब्लड, 20 साल 22 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा आपको ट्रेनिंग एजुकेशन देना शुरू कर दे, तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? इसीलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप नहीं, आपके बाद आपके बच्चे भी इस इंडस्ट्री में धूम मचाने वाले हैं। तो बी सीरियस, गेट सीरियस। जो इज्जत और जो मान और सम्मान यहाँ मिलता है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है। तो कंफर्ट जोन से निकलना है, कंफर्ट जोन में कुछ नहीं हुआ है, बहाने मार के कुछ नहीं हुआ है। जिसने हिम्मत की है, उसने दुनिया बदली है। हिम्मत करनी है, और जो सिस्टम बोलता है उन सिस्टम को फॉलो कीजिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मेरा ये विश्वास है, आने वाले टाइम में आप लोग धूम मचाने वाले हैं। मैं ये मानता हूँ कि इस बिजनेस की वो शक्ति है, वो ताकत है, ये बिजनेस आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा सकती है, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, रिकॉग्निशन वाइज, इज्जत मान सम्मान धन दौलत
और पूरी दुनिया घूमने का मौका त्यांस के पास, त्यांस की वजह से हो सकता है आपकी जिंदगी में। तो बिल्कुल भी इसको कैजुअल ना लें, बिल्कुल इसको कंफर्ट जोन में लेके ना चलें। बी सीरियस, अपनी टीम के लोगों को कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो सिस्टम के अंदर, इसी में आपकी कामयाबी छुपी हुई है। आप नोट कर लीजिए मेरी बातों को डायरी में, अगर आपको सिस्टम में लोगों को प्लग करना आ गया, आपका बिजनेस चल पड़ा, आपका बिजनेस दौड़ गया, आपका बिजनेस उड़ेगा। लेकिन अगर आपके लोग सिस्टम में नहीं जुड़ते हैं तो दोस्तों, अगर आपको यहां से बॉम्बे जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, या दिल्ली से आपको न्यूयॉर्क जाना है, अमेरिका जाना है, तो सोचिए अगर आपको अमेरिका जाने के लिए पैदल जाने लगे तो कितना टाइम लगेगा, कितना साल लगेंगे। जब आप अपने दम पे काम करने की सोचोगे बहुत टाइम लगेगा। अपने दम पे पैदल चलोगे दिल्ली से मुंबई, महीनों लग जाएंगे। लेकिन अगर आप सिस्टम में बैठ गए, जिस सिस्टम की पावर है कि सिस्टम में बैठ के दुनिया, एक हवाई जहाज में एक टाइम में 400-400 लोग बैठे होते हैं, सोचो 300-400 लोगों को बैठा के हवाई जहाज 2.5 घंटे के अंदर बॉम्बे पहुंचा देता है। अब वो 250 के 250 लोग ये सोचें कि हम तो खुद ही जाएंगे, आप सोच लीजिए कितना टाइम लगेगा। तो सिस्टम की पावर है, सिस्टम का बिलीफ है, सिस्टम की वजह से ही लोग ग्रो करते हैं। तो आज जैसे मैंने आपसे वादा किया कि आज हमने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया है, उन 3 वीडियो को मैं आपको दिखाने वाला हूं जिनको आज हमने सिलेक्ट किया है फाइनली, और उनकी वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कैसे काम किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा आप लोगों को मैं, ये जो तीनों के तीनों आज इस प्रोग्राम में मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, इसके अलावा जितने भी लोगों ने मुझे वीडियो भेजी है, सभी लोग विनर हैं आज के। ये ना सोचें कि वो विनर ना है, वो आप सभी लोग विनर हैं क्योंकि आपने अपना वीडियो भेजा है। और मैं आपको दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, आपने मेरी लीडरशिप को ऑनर भी किया है। और जिन्होंने नहीं भेजा है उनके लिए आज एक अलार्म भी है, कहीं ना कहीं ये मेरी छोटी सी आपके लिए ये कहना चाहूंगा मैं कि कहीं ना कहीं पे आपको ये जागने का वक्त है। अगर आप अपने लीडर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यकीन करना दोस्तों, आपको कोई फॉलो नहीं करने वाला, फैक्ट है ये। और खास तौर से 7 स्टार और 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्डन लाइन, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग योर लीडर यू आर इन ट्रबल लेटर और सूनर। ये मत सोचो कि समस्या नहीं है, मैं बोलता हूँ समस्या शुरू है, और जब शुरू होगी ना तो खत्म करनी पड़ेगी। तो समस्या को जितना जल्दी खत्म कर लें उतना अच्छा है। यूनाइटेड होकर काम कीजिए, अपनी टीम के साथ काम कीजिए, अपने लीडरशिप के साथ काम कीजिए, क्योंकि इस बिजनेस में हम बिजनेस करने आए हैं। इस बिजनेस में हम लोग एक दूसरे की ईगो को हर्ट करने के लिए या ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं आए हैं। ना मुझे किसी की ईगो हर्ट करनी है, ना ही मुझे किसी की ईगो सेटिस्फाई करनी है। ऐसे ही आपके साथ भी है, वी आर हियर टू डू अ बिजनेस। इन अ टीम वर्क वी कैन ग्रो, इन अ टीम वर्क वी कैन अचीव मोर, वी कैन बी बिगर एंड बिगर, राइट। तो आप देखते हैं वो 3 वीडियो, मैं सिर्फ पहली वीडियो आपको दिखाता हूं मैं आपको, राइट। तो एक एक करके वीडियो दिखाएंगे और मैं फाइनली फिर आपको बताऊंगा आज का नंबर 2, 3, 4 कौन है, नहीं 3, 2, 1 कौन है। पहली वीडियो देखिए, कुछ लोगों के चेहरे खिल गए होंगे, उनको पता लग गया ये पहली पिक्चर, वन ऑफ द विनर ये भी हैं जिनकी आपको वीडियो मिलने वाली है। हेलो एवरीवन, मैं अर्चना गुप्ता, मैं क्लियांस कंपनी की BCM मशीन स्टॉक फाउंडर फ्लैश सर्कुलेशन मशीन, इसको मिनी हॉस्पिटल भी बोलते हैं, इसका हम आज आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें एक प्लग होता है जिसको हम पावर में लगा देते हैं और ऑन कर देते हैं। इसमें एक टाइमर भी है जिसको हम अपने बॉडी के हिसाब से, जो भी हम ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उसके हिसाब से हम इसको सेट करते हैं। इसमें ऑन ऑफ बटन भी होती है, साइड में होती है ब्लैक कलर की, और इसमें एक मिनट से 15 मिनट तक सेट कर सकते हैं। इसमें ऐसा एक सिस्टम है जिसमें 1 मिनट से 15 मिनट तक सेट कर सकते हैं। ये BCM मशीन है, इसमें ऊपर
पैर बने होते हैं, इसमें जैसे खड़ाव होते हैं उस हिसाब से इसमें खड़ाव के अनुसार इसमें पैर का निशान बने होते हैं और इसमें एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर के हिसाब से पॉइंट्स बने होते हैं, इसमें आप खड़े होते हैं। ये ओरिजिनल मशीन है, इसके ये लोगो है। ये 15 किलो की मशीन होती है, इसमें इसमें 110 किलो का वजन ये मशीन वहन कर सकती है, सह सकती है। ये वीसीएम मशीन 250 पॉइंट्स में पर करती है, और जो कभी स्वस्थ मनुष्य इस चीज़ को कोई करता है तो उसमें 200 रोग उसके शरीर के पास नहीं आते। अगर कोई बीमार व्यक्ति इसको करता है तो उसके जिस तरह की उसके पास बीमार स्टेट ही खड़े होंगे। वैसे तो नॉर्मल जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो धीरे धीरे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं, इसमें खड़े वीडियो को बीच बीच में आपको संभल के दिखा रहा हूं। इसमें सेट करते हैं जब मिनट्स के अनुसार, तो इसमें जो जो होता है सर्कुलेशन तेजी से होता है और ये सर्कुलर मोड में नीचे से ऊपर हो जाता है। देखिए इनकी पायल है, देखिए सर्कुलर मोड में, सर्कुलर मोड में ये पायल इनकी ये घूम रही है, तो जिसकी जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है नॉर्मल वे में एक मिनट में 72 बार हमारा हार्ट में सर्कुलेशन जाता है, लेकिन जब ये मशीन चलती है तो 7200 बार ब्लड ऊपर सर्कुलेट होता है। अब इस पोजीशन में जो है हमारे से किसी को नींद नहीं आ रही है, निद्रा होती है, तो ये नेक्स्ट पोजीशन है। इसमें हम दोनों पैर को ऐसे रख लेंगे जिसकी वजह से हमारा ये यहाँ की जो ईएमआई मसल्स होती है और ये नी होती है, इन सबको आराम मिलता है। आप कहीं थक के आए, आपको यहाँ दर्द हो रहा है, तो आप इसमें आराम से इस तरह बैठ सकते हैं और यहाँ के नी में जो दर्द होता है जिसके द्वारा इसका दर्द भी 10-15 दिन में बहुत आराम आपको मिल जाता है। इसकी पोजीशन ये होती है, इसने भी रेट दिया थी हमको। अगली पोजिशन जो बहुत से लोग इसमें खड़े नहीं हो पाते, जिनमें सुगर होता है, जिनके कमर में बहुत दर्द होता है, जो खड़े होके कर नहीं पाते हैं और इनमें घुटनों में भी बहुत दर्द होता है, जो बैठ खड़े होके नहीं कर पाते, वो हम चेयर रख के उनको कराते हैं। वो चेयर में बैठ जाते हैं और एक दोनों पैर ऐसे रख लेते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद भी वही पोजीशन होती है और इसको सेट कर देते हैं। इससे देखिए इनकी भी वो जो पूरी ये चीज़ें, ये पूरा सर्कुलेशन होगा और ये नी में यहाँ तक और ये थाइज में पूरा यहाँ तक जाएगा। और इसमें भी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं, पूरा पोस्चर हमारा एक स्ट्रेट मोड पे रहता है। और ये सब हमारा ब्लड सर्कुलेशन वैसे में तो निकली है, जिसके लिए हमको इसको मशीन को फिट कर देना है। और इसकी मशीन फिट कर दी, इसके ऊपर 4 इंच का गद्दा या कुछ हम चादर ऐसे रख देंगे जिससे मशीन डायरेक्ट हमारे पेट भी टच नहीं करेगी और हमको ये वर्क करेगी। और हम चला देंगे जिस हिसाब से आपका शरीर है, उसी हिसाब से आप सह पाए, कोई 1 मिनट, कोई 5 मिनट, कैसे भी करते हैं 15 मिनट तक ही कर सकते। कोई भी पोजिशन में हम 1.5 गिलास पानी गर्म पी के फिर ही हम कोई पोजिशन करते हैं। ये पोजीशन अब हमको इस तक यहाँ भी अगर हमारे दर्द है तो हम इस मशीन को यहाँ सेट करेंगे और गद्दे हम इस हिसाब से लगाएंगे और सर के नीचे गद्दा लगाएंगे जिससे ये मशीन यहाँ से सेट हो जाए। ये हम अपने हिसाब से इसको सेट कर लेते हैं और आपको पता चलेगा कि यहाँ पूरा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है सर पर। इससे हमारा क्या होगा, यहाँ की जो जितनी भी मसल्स हैं वो ठीक होंगी और कम होगा, वेट हमारा कम होगा और हमारा दर्द होगा। हम टहल के आए या करें, हमको बैठने से इस तरह करेंगे तो हमको बहुत आराम मिलेगा, हमारा थकान भी इससे कम होगा। दूसरा पोजीशन बैठे या 15 दिन तक आप समझ लीजिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें एक चीज़ ये करनी है कि पूरी किसी भी मशीन का कोई भी पोस्चर करेंगे, कोई पोजीशन लेंगे तो आपको गर्म पानी पी के ही करना है और ये सुबह शाम दोनों टाइम करना है। इसके पहले हम आधा एक घंटा तक कुछ नहीं खाएंगे और शाम को भी यही है कि उसके पहले कुछ नहीं खाएंगे और इस सभी पोजिशन के बाद भी हम कुछ भी नहीं खाते हैं। थोड़ी देर बाद भी हम इसमें कुछ ले सकते हैं, खाना अन्न बाकी पानी और चाय ये सब हम लिक्विड ले सकते हैं। मैं स्पेशली ये बात बताना चाहूँगी कि ये टाइमर है, इस टाइमर में एक बटन जो लगी होती है इसको हम जब सेट कर देते हैं 5 से या 15 मिनट तक किसी भी उस पर सेट करते हैं, तो इसको एक बार सेट करने के बाद वापस नहीं घुमाते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग होती है और स्प्रिंग खराब होने का डर रहता है। इसलिए हम सेट करने के बाद अगर हमको अचानक कहीं से मशीन से हटना पड़े तो हम इसको बंद कर देते हैं, ऑटोमेटिक उसमें रिसेट हो जाती है। दोस्तों आपने पहली वीडियो देखी।
कैसी लगी? पहली वीडियो देखी मुकेश शर्मा जी, आप बताएं। वेलकम मुकेश जी। बहुत ही अच्छी लगी सर, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया उन्होंने, सारी पोजीशनिंग बताई। सोचा था इतनी अच्छी वीडियो बना सकते हैं? नहीं नहीं सर। किसकी वीडियो है ये? ये रचना गुप्ता जी की भाभी है सर, रचना गुप्ता जी। वेरी गुड, लखनऊ से। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। प्रोमिला जी, कैसी लगी वीडियो आपको? आवाज आप अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं काफी दिन से देख नहीं पा रही हूँ, अभी अभी खोला है, मैंने देख नहीं पाई क्योंकि मेरी डॉटर इन लॉ के बेटा हुआ है तो मैं उसमें लगी हुई हूँ सर। अच्छा अच्छा जी, अभी भी मेरे पास प्रिया का फोन आया उनका, तो उन्होंने बताया जल्दी से देखो, तो मैंने फटाफट ऑन कर। ओके 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 जी सर, चलो ठीक है, आपसे बाद में बात करते हैं फिर। ऑल दी बेस्ट। जी 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 जी। रचना जी आप बताएं, आपका नाम नहीं आ रहा रचना जी, लेकिन मेरे को शक्ल से पता चल रहा है आप रचना जी हैं। अब आ रहा है सर, आ रहा होगा जी, अब आ रहा है। ये मेरी दीदी है सर, भाभी नहीं है। अच्छा, ये मेरी बड़ी दीदी है, अभी बहुत अच्छे से एक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी मेरे साथ थोड़ा थोड़ा वर्क कर रही है। ये कानपुर से है। हाँ जी, बट BCM का डेमो फिर मैंने उसने बनवाया, मैंने कहा बनाओ थोड़ा सा एक्टिव हो, अब उनकी हाँ। बेटी का सिलेक्शन होने वाला है नीट में, तो अब वो भी एक्टिव हो रही है कि नहीं ये मैं वर्क करती हूँ तुम्हारे साथ। तो ये उनका पहला वीडियो था। थैंक यू सर, आपको अच्छा लगा ये बहुत अच्छी बात है। हेलो जी जी, बहुत शानदार, और ये इनकी अच्छी वीडियो इसलिए बनी है क्योंकि आपने उनको गाइड किया है। थैंक यू सर, थैंक यू, क्योंकि अगला वीडियो आपका लोड दिखाने वाला हूं मैं अभी आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। तो पहले आप अपना वीडियो देखिए, सभी दर्शकों को दिखाते हैं पहले आपके वीडियो, फिर आगे चलते हैं। राइट जी सर, ओके सर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने क्या बोलते हैं ना, धूम मचाई है। यू आर गोइंग टू बी अ रोल मॉडल फॉर यूपी, आप हैं, अनुपमा जी हैं, आपका ही गाइडेंस है हम सब यूपी वालों पे। बस मुकेश जी हम हैं, गुप्ता जी अपना है, योगराज जी हैं, पूरी टीम आपके साथ में खड़ी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, प्रॉब्लम कोई भी होती है कॉल पहुंच जाता है, योगराज सर के पास भी, मुकेश सर के पास भी। हाँ जी हाँ जी, देखा आज, देखा आज आप लोगों ने बड़ा शानदार मीटिंग की दिन में, एक घंटा की प्रेजेंट मीटिंग जो थी आपकी बड़ी जबरदस्त थी, मैंने पूरी अटेंड किया। वेरी गुड, मैं आपकी वीडियो दिखाता हूँ फिर बाकी देखते हैं, बहुत सारे जज बैठे हुए हमारे बीच में। राइट, आज मैं ट्रियांस की BCM मशीन के बारे में बताने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रचना गुप्ता, आज मैं ट्रियांस की BCM मशीन के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि अधिकांशतः व्यक्तियों को अगर देखा जाए तो किसी न किसी तरह के हेल्थ इश्यूज हैं, वो किसी न किसी तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे थायराइड, गठिया, ब्लड प्रेशर, मोटापे की समस्या, बैक पेन या कब्ज की प्रॉब्लम, नींद ना आना, इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं। इन सब चीज़ों में डॉक्टर अधिकांशतः ये कहते हैं कि आप मॉर्निंग वॉक करिए, इवनिंग वॉक करिए, या वॉक करिए तो उसे फास्ट फास्ट करिए। तो लोगों का यही मानना होता है, हम तो दिन भर काम करते हैं, काम तो किया जाता है बट वो काम इतने स्लो मोशन में होता है कि जो एनर्जी, जो कैपेसिटी हमारी होनी चाहिए या जो एनर्जी हमको उससे मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, वो सिर्फ वॉक से ही मिल पाती है और जो कंटिन्यू नहीं हो पाता है। डॉक्टर के कहने पे हम लोग 2-4 दिन रेगुलर कर लेते हैं, उसके बाद फिर ठीक है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो इस वजह से वो चीज़ नहीं हो पाती जो करना चाहिए। उसके सोल्यूशन के लिए मैं आज BCM मशीन के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये 250 पॉइंट्स पे, एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करता है और इसका 15 मिनट बराबर 5 किलोमीटर
इट मींस जितना हम 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करके आते हैं वो एनर्जी हमें इसमें 15 मिनट खड़े होने पे, बैठने पे या जो भी प्रॉब्लम है उसके अलग अलग उससे कंडीशंस पे मिलती है। तो इसके बारे में मैं आपको अलग अलग पोजीशन कैसे कैसे ले सकते हैं, या शुगर की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हम इसे खड़ा करके करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे किसी के पैरों में झुंड है या पैर में जकड़न है तो उसे हम एक पैर के थ्रू करते, नीचे करिए आप एक पैर ऐसे रखिए, ये इस पर दोनों हाथ रख के थोड़ा सा प्रेशर के साथ इसको इस तरह से हम इसको एक पैर से, इसमें जकड़न है या कोई इस पैर में प्रॉब्लम है तो ऐसे हम फर्स्ट लेग एंड देन 5 मिनट इसको हम सेकेंड लेग में इसको हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। थोड़ा फोर्स देते हैं यहाँ पे, जब इसमें हम फोर्स देते हैं तो जो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है या नी में जो प्रॉब्लम होती है उसमें हमको आराम मिलता है। जो पेट निकला हुआ होता है या बैक में जो प्रॉब्लम होती है या हिप्स जिसके बहुत चौड़े होते हैं या अधिक वेट होता है उसको हम ऐसे इसको बिठा के करते हैं, जिसके पैरों में पूरी इस पैर में दिक्कत होती है उसे पैर फैला के ऐसे सीधे फैला के और इसे हाथ करके इस पोजीशन पे कराया जाता है। उसके बाद जब हमको पेट वो इसको दूर कर सके फिर जस्ट अपोजिट साइड, क्योंकि वीडियो जो है अगर पेट बहुत लगभग 8 मिनट की है तो मैं 8-8 मिनट नहीं दिखाऊंगा बट आपको ब्रीफ ब्रीफ दिखा दूंगा थोड़ा थोड़ा। जिसको पेट ज्यादा निकला हुआ होता है, जिसका अधिक वजन होता है, लकवा मार जाते हैं, पाइप लगा देते हैं, रबर लगा देते हैं, तो उससे जो पानी का बहाव होता है वो धीमे धीमे बहता है और जो काई और कचरा होता है वो उसमें पाइप में जमता, स्लो मोशन में करते रहते हैं, आराम से करते हैं, उस आराम की वजह से कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम होती है तो उस उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम इस मशीन का प्रयोग करते हैं, ताकि जो हमारा ब्लड कहीं ना कहीं रुक गया है या कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो गया है उसको हम सही कर सके, कोई नस दब गई है या कहीं कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम दूर कर सके तो इस मशीन का हम प्रयोग करते हैं। इसमें एक रिमोट होता है जिसको हम 15 मिनट का इसमें टाइमर होता है और 5 से 10 या 15 मिनट जितना भी हमें करना होता है उसे फिक्स कर देते हैं और उसके बाद हम इस मशीन का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, 200 तरह की बीमारियां एक स्वस्थ मनुष्य की ये दूर कर सकता है, अगर कोई फिट इंसान है और इसको रेगुलर वे में कर रहा है 15 मिनट सुबह दिन 15 मिनट शाम को तो 200 तरह की प्रॉब्लम उसको नहीं आ पाएगी। तो आपने देखा, ये थी रचना जी। रचना जी ने अच्छी वीडियो बनाई और उनकी दीदी ने अच्छी बनाई। रचना जी 7 स्टार हैं तो लगता है कि आपने अच्छी बनाई होगी क्योंकि आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी है, बट आपकी दीदी ने जो बनाई है ना वो सरप्राइजिंग है। बट वो एक ही था कि मन में था उनको कि मुझे भी बनानी है। एक मन में कोई चीज अगर दिल से हो जाए ना कि मेरे को बनानी है तो बनती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं अभी पैनल में भी हैं जिनके पास में बहुत सारे रिजल्ट हैं बीसीएम के, बहुत सारे, बट उन्होंने इस तरह का कोई भी कोशिश नहीं किया। शायद कोशिश करते कहीं ना कहीं पे उनको खुद को संतुष्टि होती कि हमने एक काम किया। मेरे पास बहुत सारी वीडियोज हैं, बहुत सारी वीडियोज, और मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार, सभी लोगों के एफर्ट्स प्रशंसनीय हैं। आई अप्रिशिएट यू, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, एवरीबडी इज अ विनर जिसने पार्टिसिपेट किया है बीसीएम मशीन के माध्यम से, यू आर अ विनर। बट जिन्होंने नहीं किया ना पार्टिसिपेट, उनके लिए जागने का टाइम है। अगर आप टियांस में कामयाब होना चाहते हैं, अगर टियांस में अपने नाम का झंडा गाड़ना चाहते हैं, हर प्रोडक्ट का अपना वीडियो बनाइए दोस्तों, हर प्रोडक्ट का। इसलिए नहीं ये ब्रेसलेट गिफ्ट में मिलेगा, इसलिए नहीं ये लेडीज ब्रेसलेट जो 7,500-8,000 रुपए का गिफ्ट है, ये जो आज मिलने वाला है, फर्स्ट विनर इज गोइंग टू गेट दिस वाइट ब्रेसलेट, राइट। तो ये जो है इनाम के लिए काम नहीं करना चाहिए इंसान को, सिर्फ काम कीजिए। इनाम तो बाई प्रोडक्ट है जिंदगी में, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 10वां नंबर, ये सिर्फ नंबर्स हैं,
नंबर डज नॉट मैटर, ओनली मैटर्स योर एफर्ट्स, कि आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, अपनी टीम को डुप्लीकेट कर रहे हैं, सिस्टम को फॉलो करना, लीडर्स की बातों को फॉलो करना, ये निशानी है एक अच्छी टीम की। जिस टीम में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होता वो टीम कभी जीतती नहीं है। छोटे मोटे मैच जीतेगी लेकिन चैंपियन नहीं बन सकते हम। मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा, अगर यहाँ पर यूनाइटेड होकर काम करोगे, आई टी नेट सिस्टम हैज अ पावर टू बी नंबर वन सिस्टम इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड 700 करोड़ लोगों में, टियांस इंटरनेशनल बिजनेस में, बट अगर हम ज्यादा यूनाइटेड नहीं होंगे, ज्यादा डिसिप्लिन होकर काम नहीं करेंगे, सबमिशन में काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा? फिर भी हम कामयाब होंगे, फिर भी हम ग्रो करेंगे, बट जो हमारा पोटेंशियल है ना वो शायद उतना हो या ना हो। अगली आवाज, अगली वीडियो, एक और फाइनल वीडियो, थर्ड वीडियो। से एक स्वास्थ्य संबंधित बहुत अच्छी जानकारी आपके। नमस्कार, मैं शोभना विजयवर्गीय आज फिर से एक स्वास्थ्य संबंधित बहुत अच्छी जानकारी आपके सामने लेकर आई हूँ। आज अधिकतर घरों में कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है। सोचिए, अगर हमारे पास एक ऐसा मिनी डॉक्टर हो या मिनी थेरेपिस्ट हो जो जिसे हम डेली ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं या थेरेपी ले सकते हैं, तो कितना अच्छा हो। धीरे धीरे हमारे बॉडी के सारे रोग खत्म होते जाएंगे, हम बीमारियों से दूर हो जाएंगे। तो आज मैं आपको जानकारी यहाँ पर यही दूंगी कि किस तरह से एक मशीन, एक मिनी डॉक्टर, एक छोटे से थेरेपिस्ट की सहायता से हम डेली अपने घर पे थेरेपी ले सकते हैं। तो आप आखिर तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए, क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है। हमारी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, वो क्यों, इससे अगर हम डेली थेरेपी लेते हैं तो किस तरह से हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर चला सकते हैं, हमारे जो हम इंटेक करते हैं उस फूड को, उस न्यूट्रिशन को हर ऑर्गन, हर सेल तक कैसे पहुंचा सकते हैं, और अंदर जो भी डीएक्टिवेट ऑर्गन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां, उनको हम अपनी बॉडी से बाहर करें। तो आप जरूर देखिए, इसमें मैं आपको और भी जानकारी दूंगी कि अलग अलग पोस्चर पे कैसे हम अलग अलग बीमारियों पे ट्रीटमेंट लेते हैं, असली और नकली। अगर हम ये मशीन परचेज करते हैं तो असली और नकली में क्या फर्क होता है, ताकि आप नकली मशीन से बच सके। तो आप जरूर देखिएगा पूरा वीडियो। 5% लोग हेल्दी हैं, 15% बीमार, लेकिन आप और हम जैसे लोग 80% ना तो बीमार हैं और ना ही स्वस्थ। हमें हार्ट अटैक, शुगर, थायराइड, नी प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जो सामान्य रूप से हमारे घर में पाई जा रही। फूड इंटेक करते ही डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में ब्लड के साथ पहुंचता है और हेड टॉप की एक एक सेल तक ब्लड न्यूट्रिशन पहुंचाता है। या तो न्यूट्रिशन की कमी है या पुअर ब्लड सर्कुलेशन, जिसके कारण हमारे शरीर में बीमारियां जन्म लेती हैं। ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर, ये मसाजर एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट कहलाता है। हमारी हथेली और तलवों पे 250 से भी ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करता है और होल बॉडी को वेलनेस की तरफ लेकर के जाता है, एक प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन देता है। ये एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी एंड वाइब्रेट मसाजर है। ये हमारे अंदर के इम्यून, एंडोक्राइन आदि सिस्टम्स को बहुत इम्प्रूव करता है और प्रॉपर साइकिल में लेकर आता है। होल बॉडी की वेलनेस की हम इससे बात कर सकते हैं।
इसके हेलिक्स वाइब्रेशन हमारी हर नस में से अगर कहीं भी ब्लॉकेज हो रहा है तो उसको स्मूथली खत्म करता है और ब्लड को प्यूरिफाई करने में भी सहायक करता है। ये आप देख सकते हैं हेलिक्स वाइब्रेशन के कारण धागा और पायल में स्फेरिकल वाइब्रेशन हो रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। जब भी हम पहली बार किसी को मशीन यूज करवाते हैं तो बहुत ही कम समय के लिए 2 से 3 मिनट सबसे पहले हम एक पैर मशीन के ऊपर रखवाएंगे, फिर उसके बाद हम उसका दूसरा पैर मशीन के ऊपर 2 से 3 मिनट रखवाएंगे। तो इस तरह से उसे इसके पहले सबसे पहले वाइब्रेशन फील होंगे, इसको बैठा करके यूज करवाएंगे। इस तरह से बैठ के 2 से 3 मिनट तक बैठ करके यूज करना है, फिर चेयर पे बैठ के दोनों पैर रखकर और घुटनों पे हाथ से प्रेशर डाल करके इसको इस तरह से करवाएंगे। तो अगर 2-2 मिनट भी स्टार्टिंग में करवाते हैं तो धीरे धीरे उसको वाइब्रेशंस फील होने लगेंगे और फिर जब प्रैक्टिस हो जाती है तो उससे उन्हें काफी आराम मिलेगा। इसी तरह से हम ऐसे बैठे हुए अपने हाथ भी हथेलियां भी अपने बटक के नीचे इस तरह से रखते हैं और इससे क्या होता है कि हथेली पे भी जो पॉइंट्स हैं उन पे भी पूरा पूरा वाइब्रेशन मिलता है। तो इस तरह से हम वाइब्रेशन थेरेपी लेते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ थेरेपी की एक्सरसाइज की कॉम्बिनेशन बता रही हूँ। जैसे कॉन्स्टिपेशन पे आपको पिक्चर्स दिखाई गई है तो इन कॉम्बिनेशन के साथ हम अपनी थेरेपी ले सकते हैं। यहाँ अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग कॉम्बिनेशन बताए गए हैं। इसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखने की बात है कि कोई भी थेरेपी हम लेने से पहले 1 गिलास कुनकुना पानी पिए। थेरेपी लेने के बाद भी अगर हम 1 गिलास कुनकुना पानी पीते हैं तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आपको मिल सकते हैं। अलग अलग रोगों पे अलग अलग पोजीशन के कॉम्बिनेशन के साथ आप थेरेपी ले सकते हैं। इसके बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। हेलो, सभी लीडर्स जिन्होंने भी वीडियोस भेजी हैं, यू आर द विनर। और मैं आपको एक बार और मौका दे रहा हूं, एक बार फिर मौका मिलेगा। आप सभी लोग फिर एक वीडियो भेजिए, बनाकर 10 मिनट की वीडियो बनाइए और इन वीडियोस के ऊपर आप रोशनी डालिए, देखिए ये वीडियो कैसी बनी है और जेन्युइन। और वो वीडियो, एक वीडियो अगर आपने बनाई या बनाने जा रहे हो, आप अपने सीनियर सक्सेसफुल लीडर से कंसल्ट कीजिए। जो कंटेंट मैं डालने वाला हूँ वो कंटेंट सही है, बिल्कुल ठीक है, कोई गलत तो नहीं बोल रहे हम।
राइट, सारे कंटेंट बढ़िया होंगे और प्रॉपर तरीके से आप उसमें बोलोगे, बैठोगे। अब आपको आइडिया मिल गया आज, ठीक है। ये आप और हम जैसे लोग ही हैं जिन्होंने बनाया वीडियो, ये कोई अलग से स्पेशलिस्ट नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। और यकीन करना, ये तीनों की तीनों वीडियोज में मुझे ये मुश्किल हो गया मैं नंबर वन किसको कर दूं, क्योंकि नंबर वन और टू थ्री में जो है बड़ा फर्क है इनाम का, ठीक है। बट जैसे मैंने कहा कि एक को आना है फाइनल में, तो नंबर वन तो, बट ये जरूर है आपके लिए गुड न्यूज कि अगले महीने, इस महीने की जो 30 तारीख है जो आएगा, अभी चल ही रहा है नवंबर 30th, तो 25 तारीख तक खूब मेहनत कीजिए, 25-26 तक अपनी क्लोजिंग की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको लैपटॉप भी लेना है, आपको मोबाइल भी लेना है। तो मुझे मालूम है अभी आप भौंक भाग रहे हैं मोबाइल और लैपटॉप के चक्कर में, तो कहीं पता चला वीडियो के चक्कर में आप टाइम आपका उधर ना लग जाए वीडियो बनाने में। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप 25-26 तक ये कीजिए और 26-27 के बाद में एक दो दिन के अंदर वीडियो बनाइए, बढ़िया वीडियो भेजिए, और अब की बार फिर वही इनाम, ब्रेसलेट का इनाम है। और इस बार जो है हम दो लोगों को चुनेंगे, दो ब्रेसलेट, ठीक है, टोटल 5 इनाम होंगे। इस बार 3 इनाम थे, पहला प्राइस ये है, दूसरे प्राइस के बारे में सोच रहा हूँ क्या दूं, लेकिन अगले प्रोग्राम में 30 तारीख तक की आपका नॉमिनेशन। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा अर्चना जी को। अर्चना जी बहुत बहुत मुबारक हो, 3rd नंबर पे आप हैं इस टाइम, और बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपको जो है हमारी तरफ से प्रोटीन पाउडर, एडल्ट प्रोटीन और प्रो किड्स जो भी आपको पसंद हो वो आपको गिफ्ट में, मुबारकबाद 3rd नंबर के लिए। और मैं जरूर चाहूंगा कि आपने बहुत शानदार वीडियो बनाई है, आपके 2 शब्द। वेलकम। ओके सर। जी जी, आप वीडियो में आ सकते हैं। हेलो हेलो। जी जी, अर्चना जी आप बोल सकते हैं, अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो आप वैसे बातें कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। नेटवर्क इशू है यहाँ पे थोड़ा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अगर आपको आवाज आ रही है तो आप आवाज से बातें कर सकते हैं, ऑडियो से। सर आवाज कट रही है। थैंक यू। हेलो हेलो, आवाज कट रही है सर। नहीं, हमारे को आवाज आ रही है, आपको आ रही है? नहीं आ रही आवाज? बीच बीच में आती है, बीच में नहीं आती है। ओके, तो अगर आपको आवाज नहीं आ रही कोई बात नहीं। नेक्स्ट नंबर पे हैं आपकी सिस्टर रचना गुप्ता जी, 2nd नंबर। रचना गुप्ता जी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी, आपकी मेहनत के लिए। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शानदार आपने वीडियो बनाई है। हेलो। जी जी। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा। अभी ये जो वीडियो है आपकी, हम लोग YouTube में। हेलो। हाँ जी सर, जी सर। जी, आपका वीडियो जो है YouTube में आपने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी? जी सर। तो अभी अपलोड है सर। हाँ, आपको बहुत सारे रिस्पांस मिलने वाले हैं, बहुत सारे लाइक मिलने वाले हैं आपके YouTube चैनल। रचना गुप्ता किस नाम से है?
मेरा है सर टियांस डॉक्टर रचना गुप्ता। जी जी, तो इसीलिए आपको बुलाया हमने। ये अर्चना जी का भी अगर है, अगर वो चाहते हैं अपने चैनल को प्रमोट करना या अपने आपको, तो वो आपके लिए एक टूल है। तो ये जो है उनके लिए भी सर है, मैंने डलवा दिया है यूट्यूब में, उनका भी पड़ा हुआ है। जी जी, सोशल जो मीडिया है, सोशल मीडिया का जमाना है। जी सर, उनका भी पड़ा हुआ है, उनका भी है, और आज की डेट में वो 6 स्टार हो गई है। चलो, आप ना गुड न्यूज दे दी। हेलो, अब उनको पता है कि नहीं है? जी सर, उनको पता है कि नहीं है? पता है, पता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर तो पता है। पता है सर, बांदा में भी हम लोग थे ना, तो साथ में ही थे। ओके ओके, साथ में ही हर जगह डेमो दिया और साथ में ही हम लोग कर रहे थे वर्क। बहुत बढ़िया, तो आप देख सकते हो, आप इतने सारे लोगों में से आपने कुछ डिफरेंट किया है, जिसकी वजह से आज आपकी पहचान अलग से बनी है, चाहे वो अर्चना जी हैं चाहे रचना जी हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपका भी गिफ्ट प्रोटीन पाउडर जिंदाबाद टियांस का, और बिल्कुल मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। और फाइनली आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इस बारी की विनर दोबारा कौन है। ये है शोभना विजय वर्गीय जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। शोभना जी, थैंक यू सर। जी जी, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सर, लॉट ऑफ थैंक्स। ब्रेसलेट हमारे पास है, टुडेज ब्रेसलेट विनर, व्हाइट कलर का ब्रेसलेट है ये, आपका फेवरेट। तो अभी देखिए, आप बहुत सारे इनाम जीत चुकी हैं, ऐसे टियांस की कार फंड और विला फंड भी आपका इंतजार कर रहे हैं। छोटे छोटे गिफ्ट हैं ये, छोटे छोटे गिफ्ट आप बोल रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेशर है। जीतना बिजनेस में है, बिजनेस में नंबर वन आना है, और इन गिफ्ट्स के कारण और ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है कि हमें अब फील्ड में भी अपना काम करना है और वहां करके बताना है, बिल्कुल एचपी और की तरफ बढ़ना है। तो अब ज्यादा प्रेशर हो गया है कि अब बहुत जल्दी सब कुछ अचीव करना है। थैंक यू सर। आपके पास वो क्वालिटीज हैं, आप बहुत तरीके के साथ लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, काम कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो शुरू में 2 साल तक मुझे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। 2 साल तक मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा। कामयाबी कोसों दूर नजर आती थी, डाउट भी फील होता था कि कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, बट हम लगे रहे और करते चले गए। और जो लोगों ने हमारे मजाक उड़ाया था, जो लोग हमारे साथ में थोड़ा सा ताने मारा करते थे, जो मजाक उड़ाया करते थे, हमारा जो मोटिवेशन था वही लोग थे। जिन लोगों ने हमें डिस्करेज किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया, और मैं शुक्र मानता हूँ उन लोगों का। आज अगर मैं धन्यवाद करता हूँ तो सबसे ज्यादा ऐसे लोगों का करता हूँ जिन्होंने ताने मारे और जिन्होंने डिस्करेज किया, क्योंकि शायद उन्होंने वो नहीं किया होता ना तो हमारी भी खुंदक नहीं होती। खुंदक मतलब बदले की भावना होती ना इंसान में, कि अच्छे कामों के बदले, है ना, कि प्रूफ करके दिखाना, भाई साहब हम इसी के लिए बने हैं और करके दिखाएंगे। और दोस्तों, तो ये इस काम की खास बात है कि जो स्ट्रगल करेगा, जो मेहनत करेगा, जो रिजेक्शन फेस करेगा, एक दिन उसी ने ही चमकना है इस बिजनेस में। तो शोभना जी, आपने मेहनत की है और काफी कम टाइम में बहुत कुछ आपने अचीव भी किया है। इस कोरोना काल में भी आपने काम किया है, आपने बहुत सारी डेमोज किए हैं, बहुत सारी मीटिंगें की हैं, और आप बिल्कुल तैयार हैं। अपने काम की रफ्तार बढ़ाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। हमारी शुभकामनाएं आपको सर। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं शोभना जी आपको। तो अब मैं आपके स्टेट अपलाइंस में ही पहले लेना चाहूंगा मुकेश शर्मा जी को। जी मुकेश जी, ये आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 3 गिफ्ट आपकी टीम में गए हैं। यस सर, तीनों के तीनों गिफ्ट मेरी टीम में गए, तो सोचा भी नहीं था सर, सोच से भी परे काम हो गया, और बहुत ही अच्छा काम कर रही है टीम। मतलब ये मान के चलिए कि
इतने स्मार्ट लोग, इतने एफिशिएंट लोग मुझे टीम में मिले हैं, मतलब आई फील लकी सर। आपने जो मेंटरशिप दी है, जो कोऑर्डिनेशन टीम के साथ कर रहे हैं, ये उसका फल है आपके सामने जी सर। तरीके से हाँ जी ये सर सब मेरे डायमंड्स हैं, और अब देखिए सर इनकी तेजी से ग्रोथ कैसे होने वाली है। और शोभना जी के लिए मैं मैसेज देना चाहूंगा, शोभना जी आपको ब्रेसलेट मिलेगा 7 स्टार स्टेज पे। मैं चाहूंगा सर स्टेज पे भी आ जाए। नहीं अब बिल्कुल 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 मोस्ट वेलकम है। और मुकेश जी आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपकी सीधी टक्कर है सभी लीडरों से कि देखते हैं दूसरे लीडर क्या परफॉर्म करते हैं। अगली बारी 5 के 5 इनाम पता चला आपने फिर मार दिए जी सर। यू आर वेरी सिंसियर विद अस, आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू बी अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट ऑफ आईडीनेट सिस्टम। सर आई एम अ गुड स्टूडेंट ऑफ आईडीनेट सिस्टम एंड यूर्स आल्सो सर। थैंक यू ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट इज आपके मेंटर मिस्टर योगराज जी। जी योगराज जी ये तो धूम मचा दिया आपने, आपकी टीम ने, बट ये है कि एक तरफ चल रहा प्रोग्राम, जगाओ जगाओ औरों को भी जगाओ। बिल्कुल सर बिल्कुल हेल्दी कंपटीशन है। और कॉन्ग्रेचुलेशन शर्मा जी एंड ऑल लखनऊ टीम। और मुझे लगता है कि ये सारा के सारे आज का जो गिफ्ट है सारा लखनऊ गया है, लखनऊ टीम में गया है। बिल्कुल अनुपमा जी का बहुत शानदार है, जितने शोभना और पुष्पा जी ने बहुत शानदार भेजा था, और भी मतलब मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ये तो 5 होते तो 5 यही ले जाते। अगली बार चांसेस नजर आ रहे मेरे को। जी जी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सारे गिफ्ट जाए, और सभी को जितने भी अचीवर्स है हमारी बेस्ट विशेस, और जो भी ड्रीम लेकर ट्यांस। तो योगराज जी आपका सिग्नल कहां चला गया? वासुदेव जी भी हैं हमारे बीच में। हेलो सर वेलकम। यस सर पॉल सर थैंक यू वेरी मच सर एंड गुड मॉर्निंग पॉल सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बहुत बढ़िया एंड बहुत जबरदस्त ये वीडियो मैंने भी देखे अभी जो वीडियो रन कर रहे थे आप जी, और ये जो कंपटीशन के थ्रू ये वीडियो बनाए हैं लोगों ने बहुत अच्छी तरह की इन्फॉर्मेशन इन्होंने तैयार किए और लोगों को दी है, सो इट्स नाइस। और ये बहुत अच्छा आपका आपने जो ये चैलेंजेस दिए हैं लोगों को एज ए गिफ्ट, तो उससे क्या बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है उस चीज में। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है इसके लिए, और जिन लोगों ने बनाए वो डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, सो इट्स नाइस सर। बहुत अच्छा आपका थीम है ये, और ये हर प्रोडक्ट पे जाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को लेके अगर ये चीजें चलेंगी तो लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, सो इट्स नाइस सर वेरी नाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। तो दोस्तों जी सर तो यही चीजें हैं कि हमारा मकसद यहाँ पर यह है कि आप एक एनकरेजिंग क्या होता है, जब कोई रिवार्ड होता है तो कोई टारगेट होता है, जब टारगेट होता है तो काम करने में एक मजा अलग आता है। बात इनाम की नहीं है, बड़ा इनाम है छोटा इनाम है डज नॉट मैटर, मैटर ये करता है कि यू आर अमंग द कॉम्पिटिटर, यू आर अमंग द अचीवर। जी योगराज जी वेलकम बैक। यस सर मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहूंगा सर, मैं वही कह रहा था कि मैं बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू जितने भी अचीवर्स है आज के, जो है रचना गुप्ता जी हैं, अर्चना गुप्ता जी हैं, इसके अलावा शोभना विजयवर्गीय जी है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी फिर से हेल्दी कंपटीशन है, तो जितने भी पैनल में पार्टिसिपेंट है तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी जो है अपने शानदार वीडियो बनाए बीसीएम के ऊपर और सर को भेजें, आप हमें भेजें और हम आगे इसको पास ऑन करेंगे। आप डायरेक्ट सर को भेज सकते हैं, कॉन्टेक्ट योर अपलाइन। और वही बात है सर कि रिवार्ड की बात नहीं है, बट जब हम कुछ करते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है, और उस प्रैक्टिस में हमें ये भी पता चलता है कि हमें कितना हमने लर्न किया है और कितना निखार हमें आया है, कहाँ पे हमें सुधार करना है। क्योंकि अगर हमें सुधार करते चले गए, लर्न करते चले गए, तो वो दिन दूर नहीं है कि जो हमारे बड़े टारगेट्स हैं लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं उनको हम पूरा करेंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे,
और सभी ने एक दिन टॉप लेवल पे आना है. सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच. बहुत बढ़िया योगराज जी, बिल्कुल. अनुपमा जी, आपके इलाके में आप लोगों ने धूम मचा रखी है जी, वेलकम. मैंने लेट ज्वाइन किया इसलिए मैं सुन नहीं पाई किसको क्या मिला. जी जी जी, जिसको जो मिला वो नसीब का मिला, अब जो मिलेगा फिर मिलेगा एफर्ट्स करने का. तो अगली फिर हमने अनाउंसमेंट कर दी है, अगली अनाउंसमेंट फिर की है कि अगले 30 तारीख तक के लिए और टाइम दिया हुआ, 30 तारीख तक और लोग भेजिए और वीडियो कम से कम 10 मिनट की वीडियो होनी चाहिए और आप लोगों को इनसे सीखने को भी मिलेगा, सभी लोगों को, कि किस तरह के वीडियो. बिल्कुल बिल्कुल सर. बाकी आप कुछ शब्द कहना चाहेंगे? तो जो बेस्ट हो सर उसी को मिलना भी चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय लेते हैं तो ये चीज हमें बहुत. लेकिन अच्छी बात ये है ना कि मोर्चा मार गए लखनऊ वाले डबल. बाकी सर बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया. अनुपमा जी, आप लोग सभी लोग मिलकर बहुत अच्छा कर रहे हैं और आज आपने पैनल में बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था, ट्रेनिंग सेशन था जो मुकेश जी आप लोगों ने मिलकर किया, बहुत अच्छा लगा मुझे. बस ऐसे ही आगे बढ़े, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. थैंक यू सर. और कुछ कहना चाहेंगे? सर बहुत बढ़िया लगा आप प्रोग्राम. सर बहुत बोल लिया आज मैंने तो जी, मुझे कुछ शब्द नहीं है, लेकिन आपका प्रोग्राम लेट हो गया ज्वाइन होने में. कोई बात नहीं, आप तो हमारे रेगुलर क्या बोलते नहीं क्या बोलते रेगुलर हैं, रेगुलर ऑडियंस हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी चलेगा. मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया. हमेशा रेगुलर रहेंगे सर. बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज मोस्ट वेलकम. तो आपने सुना, अब चलते हैं थोड़ा जितेंद्र जी की तरह. जितेंद्र विश्वकर्मा जी वेलकम. सर गुड मॉर्निंग. सर गुड मॉर्निंग. सर आपके इलाके में जरा इस टाइम वजन है इसलिए आपसे बात करने की बनती है. थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने दोबारा मुझे मौका दिया सर बात करने का. जी आज के विनर के लिए आप जरूर कुछ शब्द बोलें. अरे सर आज के विनर जो विजय वर्गीय जी हैं उनका जी. सर वीडियो देखकर इतना अच्छा लगा सर, इतना उन्होंने इफेक्ट्स डाले हैं, स्पेशल इफेक्ट, जैसे पुरानी फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट्स नहीं चलते थे सर, इफेक्ट्स डाले हैं उससे सर उन्होंने पूरे उन्हीं इमेज का प्रयोग किया है जो हम लोग बीसीएम में लोगों को बताने में उसका यूज करते हैं. बहुत अच्छा सर, सुपर वीडियो था. ऐसा तो सर, ऐसा वीडियो तो सर मोस्टली जो है मुंबई, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो है प्रोफेशनल ही कर सकते हैं. जब उनका उनकी वॉइस सर कितनी लाजवाब, उन्होंने एक एक शब्द का उच्चारण उनका इतना लाजवाब था, बहुत अच्छा बनाया. रचना गुप्ता जी का सर बहुत अच्छा था, मैंने देखा उनका पूरा वीडियो. इसके पहले उन्होंने फेसबुक में भी डाला हुआ था तो मेरा देखा हुआ था सर, और वो तो है ही है हमारी सीनियर सर, अच्छा काम कर रही है, उन्हीं से तो इंस्पायर होकर के सर हम लोग भी जो है इस गली में उतर चुके हैं. बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं को श्रेय जाता है सर, उन्होंने ही हमारे यहाँ आकर के वो उस सैनिटरी नैपकिन का डेमो दिया और इंस्पायर हुई पुष्पा जी हमारी. इन्होंने जब उसको हमने देखा कि वास्तव में बहुत अच्छी चीज है सर, उससे हमें भी मतलब लगा कि हमें भी जो है करना चाहिए, हमें भी लोगों को जागरूक करना चाहिए, हमें भी समाज सेवा करनी चाहिए. यही प्रभाव है सर, यही होता है. अच्छे शब्द जब मिल जाते हैं सर, अच्छे अच्छे डेमो मिल जाते हैं, अच्छे लोग मिल जाते हैं, आप जैसे सर बेहतरीन मेंटर गुरु मिल जाते हैं सर, मोटिवेट कर देते हैं सर, पूरा दिमाग डाइवर्ट कर देते हैं सर, क्या बताएं, यही सब चीजें हैं सर जीवन में आगे बढ़ने के लिए, यही जरूरी होती है सर. बहुत अच्छा लगा सर. बहुत बढ़िया, बहुत शानदार. जितेंद्र जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और पुष्पा जी को. पुष्पा जी का भी वीडियो आया था, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है और मेरी बेस्ट विशेज हैं अगली कंपटीशन के लिए. अगली कंपटीशन में सर निश्चित रूप से पुष्पा जी का और बेहतर होगा सर. थैंक यू वेरी मच सर, आपने बोलने का दोबारा मुझे मौका दिया सर. ठीक सर, थैंक यू सर. देवेंद्र जी भी बैठे हुए, देवेंद्र जी ने भी पूरा शो देख लिया. देवेंद्र जी अब की बारी हमारी बारी, राइट, अब की बारी अनुपमा जी की तैयारी करनी है.
शोभा गुप्ता जी, आप सभी लोग बिल्कुल, यूपी की टीम जो है इस टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, सभी लोग परफॉर्म कर रहे हैं, बट आप लोगों ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देनी शुरू की है। और जैसे मैंने आज बताया था आपको वेबिनार में कि यूपी की ज्यादातर सीटें जो है ना अब हम लेंगे मिलकर, ठीक है। तो अब हमारे बीच में यंग अचीवर शेखर बोरा जी, आपकी टीम, और योगराज जी दूसरी टीम में, वासुदेव जी भी हैं, तनुराज जी हैं, आप सभी लोगों को अपनी टीम के अंदर कंपटीशन डालिए। देखिए एक बहाना है, इस बहाने से काम हो जाएगा लोगों का सबका। जी शेखर जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा कि उन्होंने, कहते हैं ना, पार्टिसिपेट किया। जैसे हम हालांकि बोलते हैं ना कि लोगों ने डिसीजन लिया, तो हम इन्हें बोल सकते हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ये एक, कहते हैं ना, सक्सेस का एक स्टेप है। और रियली सारी वीडियोस में बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे भी काम आएगी और बहुत सारे लोगों के लिए काम आएगी। और सबसे हार्डिएस्ट थैंक्स टू शोभना जी जो अचीवर हैं, उनको हार्डिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने, क्योंकि कहते हैं ना कि पार्टिसिपेशन सबने किया बट उन्होंने कुछ यूनिक किया, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट्स है तो उन्होंने बहुत यूनिकनेस बनाई। उन्होंने लिटरली अपनी वीडियो में बिल्कुल, उन्होंने कहते ना कि एक पिक्चर बनाई कि कैसे उसको शो करना है। और रियल में जितने भी पैनल में सारे लोग हैं तो उनको एक आइडिया लग गया कि अभी ये कॉम्पिटिशन अपने तक नहीं है, ये नेक्स्ट लेवल जा चुका है। तो नेक्स्ट लेवल के लिए हर इंसान, हर लीडर अभी रेडी है कि अगला जो इनाम है वो उन्होंने लेना है। और रियल में सर की बीसीएम के बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं, सबको पता है कि एक ऐसा गैजेट है जो हाई वॉल्यूम का है। और लिटरली अगर जिसको इस, किसी को भी इसमें चढ़ा दिया जाए ना तो वो कहते हैं बिना लिए रुक नहीं सकता। तो बहुत ही अच्छा गैजेट हमारा है, बहुत यूनिक है, क्वालिटी है। और रियल में बहुत अच्छा लगा, सबने इतनी अच्छी वीडियोस बनाई, काफी सारी इंफॉर्मेशन दी। और अब जैसे आपने बोला कि मुकेश जी की सारी टीम ने ये अचीव किया है, तो अभी मैं अपनी टीम को भी बोलना चाहूंगा कि गेट रेडी। नॉट अपनी टीम में, सभी को बोलना चाहूंगा कि ये सारा लखनऊ नहीं जाना चाहिए, ये हर एक स्टेट भी आना चाहिए। हमारा जो गिफ्ट है, चाहे वो हिमाचल हो चाहे वो हरियाणा हो, हर जगह ये अचीव होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो कंपटीशन है वो नेक्स्ट लेवल होगा सर। और हम अभी से सबको प्रिपेयर करेंगे कि, कहते हैं ना कि अगला जो कंपटीशन होगा बहुत यूनिक होगा। मतलब कहते हैं ना, शायद हो सकता है आपके लिए टफ हो कि किसको सेलेक्ट करें, क्योंकि आप भी एक जगह बैठे हैं जहाँ सिलेक्शन करना बहुत ही टफ रहता है, कि कहते हैं ना कि हर एक से बढ़कर एक है। तो रियल में थैंक यू आपके लिए भी कि आपने एक बहुत अच्छा जजमेंट किया चीजों को देखकर, क्योंकि उसके लिए भी एक टाइम निकालना पड़ता है और एक सिस्टम के थ्रू हम काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, और विश यू ऑल द कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द लीडर्स। बाकी स्पेशल बात यह है हमारे दर्शकों के लिए कि आज शेखर जी का जन्मदिन है, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन शेखर जी, तुम जियो हजारों साल, साल के हो दिन हजार, है ना, दिन हजार। तो बहुत थोड़ा सा शेखर जी के फैमिली के अंदर थोड़ी सी कोई बुजुर्गों की डेथ हो गई, जिसकी वजह से शेखर जी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, जिंदगी है। बट मैं दिल से हम सब लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं सर। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, कहते हैं ना भगवान ने भी कुछ लिखा हुआ है, भगवान भी कह रहा है, कहते गोल्ड लॉयन से पहले बर्थडे नहीं मनाना। और मेरे को दिख रहा है कि अगले साल गोल्ड लॉयन पे हम बर्थडे मनाएंगे और धमाकेदार मनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड आई एम रेडी फॉर इट, क्योंकि आज भी मैं मीटिंग में था और रियल में मैं बर्थडे नहीं मना पाया, बट मैंने मीटिंग्स की उसकी जगह और मैंने डेवलप किया, मैंने कुछ लीडर्स आज तैयार किए, कम से कम मैंने आज 3 ज्वाइनिंग मैंने खड़ी की आज आज में। तो मेरे को लगता है कि कहते हैं ना कि एक एक्टिविटी हुई कि बर्थडे के दिन मेरे को प्राइज, कहते हैं ना गिफ्ट क्या मिला, मेरे को 3 लीडर मिले, और बहुत अच्छा मिला। और रियल में हम बहुत अच्छा करेंगे। मेरा जो मैंने आपको बोला ना सर कि गोल्ड लाइन का टारगेट बिल्कुल यहाँ पे है कि गोल्ड लाइन से पहले सांस नहीं लेनी है, हर सिटी हर स्टेट कैप्चर करनी है। और आज ही मैंने काफी अच्छी मेरी मीटिंग रही जहाँ पे मैं असम और वेस्ट बंगाल में वहां भी मैं ओपन कर रहा हूँ अपना चैनल। तो मेरे को अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि हर स्टेट पे अपना एक झंडा खड़ा करना है। और थैंक यू सो मच, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू
this opportunity. Thanks, Lee Jinion. Thank you so much, sir. Thank you. बहुत बढ़िया. God bless you, Shekhar ji. Go Golden Line. Right, so, right, Shekhar ji. Sir, एक मिनट मैं भी लूंगा. जी. Yes, sir. Shekhar ji, बहुत बहुत मुबारकें. Many, many happy returns of the day. Happy birthday to you. God bless you. और अगला जो बर्थडे विद गोल्ड लाइन बड़ी धूमधाम से पार्टी करेंगे. जी तनु जी, यू आर लुकिंग डैशिंग पर्सनालिटी टुडे, प्रोफेशनल, वेलकम, हैप्पी संडे. हेलो सर, थैंक यू वेरी मच. गुड मॉर्निंग यांशी. गुड मॉर्निंग. और सर, मैं बड़ी एक्साइटेड थी, आज शेखर सर का बर्थडे है. So, हर जगह मैंने विश किया बट रिस्पॉन्स नहीं आया, जैसे कि आपने बताया, तो बड़ा अफसोस हुआ सर. पर हैप्पी बर्थडे टू यू सर, और गॉड ब्लेस यू, और आप इस तरह से ही तरक्की करते रहे, और हम आपको आपको बढ़ते हुए हम भी आगे मोटिवेट होते रहे और इसी तरह से. और थैंक यू सर, आपने जो है मुझे मौका दिया बोलने का. सो आज सर आपने मुझे एक कमेंट भी दे दिया, सो प्रोफेशनली. हाँ सर बिल्कुल, जैसे कि आप डेली वेबिनार में कहते हैं प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है. सो उस टाइम तो आज बड़ा हेक्टिक डे था, आज फास्ट भी था, सो वही अष्टमी का, देन फिर वर्किंग भी रहा. सो अच्छा लगा, जैसे कि सर वही मतलब करते रहते हैं तो स्ट्रगल करते रहते हैं, या फिर वर्किंग करते रहते हैं, या फिर हमारे पास चैलेंज जिस आते रहते हो तो अच्छा लगता है, उससे हमारे को खुद से निखार आते है. ये मैं करती हूँ एनालाइज, मुझे अच्छा लगता है और खुद से भी. और जो आज का कॉम्पिटिशन था लोगों ने मिस किया है. सो मैं काफी रियलाइज करी थी इस चीज को. तो सर जैसे आपने बताया कि एक टीम में जो है अवार्ड चलेगी, पर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा सर. हिमाचल से भी जो है ना लोग, मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ जो हमारे पैनल में है, हमारे हिमाचल से सभी जो है इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें, और अपना जो भी एफर्ट्स है जिस तरह से भी आप बना सकते हैं तो जरूर इस वीडियो को बनाएं. और सबसे पहले मैं बनाऊंगी, देन आप लोग भी बनाएं, सभी मिलके पैनल में मतलब इस तरह से जो है एक्टिविटी जो भी हो रही है उसको जो पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इससे हमारे काम में भी निखारा और हमें नॉलेज भी इम्प्रूव होगी हमारी. तो सारी चीजें हैं तो, और ये छोटी मोटी एक्टिविटी जो होती है वो होने की बहुत है, इससे हमारी प्रोग्रेस है हमारे काम में भी. सो थैंक यू वेरी मच सर. बेटर थैंक यू तनु जी, थैंक यू तनु जी फॉर विशिंग मी, और बहुत अच्छा लगा. और रियल में मैंने मिसेज, बट मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस थे जिनका मैं अभी तक रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, बट लिटरली आपको 12 बजे से पहले सबके रिप्लाई मिल जाएंगे. बट थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी. और वी आर क्वालिटी, कहते ना कि रॉयल्टी में आके अब बिलीव होता है. पहले हमें लगता था, मतलब पहले हमें तो कभी मतलब लगा नहीं, बट एक था कि यार ये अलग टीम है, ये अलग टीम है, बट एक एज एन रॉयल्टी जब आप सारे पहुंचेंगे ना, आपको फील आएगा ये भी मेरी टीम है, लखनऊ भी मेरी टीम है, हिमाचल भी मेरी टीम है, तो उसका कहते हैं ना ग्लांस अलग होता है. तो थैंक यू सो मच. बिल्कुल सर, और हमारे लिए आप मेंटोर है, जैसे कि मैं पहले भी बोलती हूँ, लाइक जैसे हमारे पॉल सर, जैसे हमारे योगराज सर. और ऐसा नहीं है कि हम एक रॉयल्टी बेस पे जब पहुंचेंगे तभी हमारे को ये चीज, मुझे पहले से ही क्लियर हो चुका है, बिकॉज यहाँ त्यांशी पूरी फैमिली है. सो बहुत ही, और मैं आपकी बिग फैन हूँ, और जब भी मुझे कभी भी जहां भी मौका मिलता है मैं आपका सबसे पहले लेती हूँ, बिकॉज आपसे लोगों को सीखना चाहिए. इनफैक्ट मैं भी डेली मैं सीखती हूँ, पर मैं बोलती हूँ कि सबको सीखना चाहिए. और सबसे बिग फैन मेरी डॉटर है, जब भी वो आती है तो सिर्फ ये बोलती है शेखर भैया आ गए हैं. तो मुझे अच्छा लगता है कि शी नोज कि भाई इतने यंगर है वो और ब्राउन्स लॉ है, शी नोज कि आपकी क्वालिटी क्या है. और क्योंकि जब मैं बार बार नाम लेती हूँ तो वो भी सुनती है, तो अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा. और हर टाइम आपकी जो, जी सर, बहुत ही हमारे लिए इतनी अच्छी एक यंगर हमारे पास जनरेशन है जो कि इस लेवल पे है. तो मैं हमेशा गॉड से प्रे करती हूँ कि आध्या अगर हमारे इस ध्यान्स में आए तो वो भी इस लेवल पे जल्द से जल्द, मतलब मैं चाहती हूँ. बिल्कुल, आप उसकी तैयारी कर रहे हो और अब तो टॉप लेवल ही देके छोड़ोगे, एचडीडी सीधा, आध्या फ्रॉम एचडीडी. गोल्ड लाइन 2021 डन है, और बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयारी है सर. और सर मुझे रातों को नींद
नहीं आती है, दैट्स व्हाई, क्योंकि नेक्स्ट डे का एक्साइटमेंट रहता है व्हाट टू डू, क्या करना है, क्योंकि एक एक दिन जो है सर बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा वैल्यू है अभी इस टाइम में. वेरी गुड, जी सर, बहुत बढ़िया, यू आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब फॉर योरसेल्फ, फॉर द टीम, फॉर टियान इंटरनेशनल. सो लेट्स फ्लाई टुगेदर, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर. एंड सर मैं योगराज जी का भी थैंक यू करना चाहूंगा, बिकॉज आई नो कि व्हेन आई स्टार्टेड हमारे साथ जो लीडर थे वो योगराज जी थे, जिनके साथ मिलके हमने काम किया. और रियल में कहते हैं ना, एज अ लीडर भी एज अ भाई भी हमने काम किया है. और रियल में थैंक यू सो मच योगराज जी फॉर विशिंग मी. और मेरे को पता है कि हर बारी हमारे जो लीडर है वो हमें कॉल करके बिल्कुल कहते हैं ना, एक दिल से हमारा कनेक्शन है और बहुत अच्छा लगता है जब हम योगराज जी से बात करते हैं. और रियल में मैंने भी बहुत सारी चीजें, मतलब हिमाचल वाले तो बिल्कुल बोलते हैं, और भी टीम है जो इनकी बोलती है, बट मैं रियल में बताऊंगा कि मैंने भी बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली मैंने उनसे सीखी हैं, जो बेसिक है अबाउट द नैपकिन, अबाउट द ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, अबाउट द प्लान. और उनसे सीख कर काफी सारी चीजों को मैंने खुद चेंज किया. तो आज ये कहते हैं ना कि एक चेंजेस मेरे में दिखे. तो रियल में थैंक यू सर फॉर गाइडिंग मी, फॉर गिविंग मी दैट मच ऑफ नॉलेज, कि आज आई एम टू मच कॉन्फिडेंट. तो थैंक यू सो मच योगराज जी. My pleasure, Shekhar ji, or God bless you. I always with you, always. Thank you, sir. Thank you so much. आपने दोनों लीडरों की बातें सुनी, दोनों ही मंजे हुए खिलाड़ी हो चुके हैं. इनकी बातों से लग रहा होगा आपको कॉन्फिडेंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस कूट कूट के भर गया है अब शेखर जी में भी, योगराज जी में भी. और आपको भगवान ऐसे ही ताकत दे, शक्ति दे, और आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदलने वाले हैं, आने वाले सालों में अनगिनत लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ी मिसाल पैदा करने वाले हैं. अगली आवाज है वनिता राज जी, एक और उभरती हुई सितारा तनु राज जी की तरह. तनु राज, योग राज, वनिता राज, ये राजों का राज, हिमाचल का राज. वेलकम, थैंक यू सो मच सर. देखो राज का मतलब राज होता है और वो राज होना है पक्का. जी सर, बिल्कुल. ऑलरेडी गुड मॉर्निंग. सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे शेखर सर, और मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे. और सर आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मैं बहुत थक चुकी हूँ. मैं सुबह 7 बजे निकली थी घर से और थोड़ी देर पहले एंटर हुई हूँ. और 3 जॉइनिंग आज मैंने जो निकाली है सर, ये सारी जूम मीटिंग की वजह से है, इसकी बदौलत है सर. आज मैंने 3 लोगों को यहाँ पे प्लग किया और साथ में सर डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट सब चीजें सर, जो कि बिल्कुल इन है सिस्टम में, बिल्कुल एंटर हो चुके हैं लोग उनको मैंने. और सर बहुत अच्छा लग रहा है. और सर मैं ना शेखर सर में देखती हूँ कि आने वाले 5-7 साल बाद मेरा बेटा ध्रुव राज सर, तो मुझे लगता है कि उसका फ्यूचर ऐसा होने वाला है, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि वो कुछ नहीं करेगा, वो त्यांशी को ही काम करेगा, यहीं पे हम सर पूरी फैमिली, क्योंकि मेरा जो घर है वो त्यांशी से ही चलता है और इसी से ही चलेगा सर. यहीं पे मेरा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर और मैं बहुत खुश हूँ सर. मुझे नहीं समझ आ रहा कि उस परमात्मा को क्या मंजूर था, उसने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाया है ना सर. मतलब जितना मैं चाहूँ उतना कम है कि कितनी बार थैंक्स करूँ गॉड का, पेरेंट्स का, और त्यांशी का, मिस्टर ली जिनियोन का सर, आपका, मेरे अपलाइनर का. और सर थैंक यू सो मच सर, अभी इतना ही कहना बहुत चाहूंगी. आज आपने देखा आज ब्रेसलेट भी लोगों ने जीते हैं. जी सर, तब थैंक यू विनीता जी, थैंक यू सो मच. आपको पता लगा कि ब्रेसलेट मिले हैं आज, ये वाला सफेद वाला गिफ्ट में? बहुत बढ़िया सर. क्यों मिला है बताओ सर? ये जो लोगों ने जो डेमो, जो आपने वीडियोस वगैरह कहा था कि आप वीडियो बनाएं और शेयर करें, ये सब चीजें सर, रह के याद दिलाऊंगा, रह के सबको सर. इसके लिए सॉरी, और सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से जो भी एक्टिविटीज रहेगी मुझे मालूम है, सबको चाहिए, सबकी वीडियो चाहिए हमें तो. जी सर जी, हमारी हमें तभी लगेगा कि यस आप सही जा रहे हो. छोटी सी भी गलती ना गाड़ी को डीरेल कर देती है, पटरी से नीचे उतर जाती है गाड़ी, छोटी सी भी गलती. बोलते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी, क्योंकि एक एक्टिविटी हम दे रहे हैं. और अभी तो हम बोल रहे हैं कि 25-26 तारीख तक मत बनाना, मैं आगे रह के बोल रहा हूँ, 25 तारीख को 26 तारीख को मत बनाना, 27 को 28 को 29 को 30 को कोई दिक्कत नहीं है. अगर किसी की डिले भी हो जाएगी तो फर्स्ट वीक में भी चलेगा, क्योंकि अनाउंसमेंट थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखना पड़ता है, तो आप भेज सकते हैं, लेकिन 30 तक भेजने की कोशिश करना, टारगेट आपके पास 30 है,
डेडलाइन, बट जरूरत पड़ गई तो मैं आपको एक हफ्ते का एक्सटेंशन दूंगा, मतलब 7 दिसंबर तक का टाइम है नॉमिनेशन के लिए। इसलिए कर दिया मैंने क्योंकि इसी टाइम लैपटॉप के लिए और मोबाइल के लिए आप लोग भाग रहे हो, तो बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता हूँ आपका फोकस लेफ्ट राइट हो। और बाकी बहुत सारी गुड न्यूज आपको आने वाली है अत्यांशी की तरफ से, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, तैयारी कर लो अभी से, सीरियस होकर काम करने की, और अभी से लोगों को जोड़ो फटाफट। शेखर लग चुका है, शेखर बंगाल से, लेकिन कहाँ कहाँ की बातें कर रहा है मुझे बताता रहता है, ये भी किया आज ये किया, तो अच्छी बात है। आप एक्सपेंशन में काम कर रहे हो, नई टीमें डेवलप कर रहे हो, नए लोगों के साथ काम कर रहे हो, नए लोगों को बातें कर रहे हो। आज भी शेखर ने 2-3 मीटिंग की है, जूम मीटिंग, योगराज जी को मैंने देखा 2 मीटिंग में, शर्मा जी को देखा मैंने, अलग अलग लीडरों को मैं देख रहा हूँ। तो ये आपकी एक्टिविटी ये महसूस करा रही है कि आप लेवल, आप अलग लेवल पे काम। देखो जिनको मैं जानता हूँ, जो मुझ तक इन्फॉर्म करते हैं उनका पता है, बाकी जो मुझे इन्फॉर्म नहीं भी करते हैं, आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने पिछले महीने बहुत अच्छा काम किया, उससे पिछले महीने, और इस लॉकडाउन में आप सभी लोगों ने अपने लेवल पे बेस्ट करने की कोशिश की है, इसीलिए इस पैनल में भी हम, इसीलिए हर रोज आप आते हैं, ये आपका दिखता है कि आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं, आप ऑफलाइन भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से ही आगे बढ़ेंगे हम, सिर्फ ऑनलाइन से काम नहीं चलने वाला, सिर्फ ऑफलाइन से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि समय बदल गया है, वक्त बदल गया है, लोगों की स्थिति बदल गई है। अगर अभी आप डिजिटल नहीं हो ना, तो आप बिजनेस से बाहर हो, मैं बता दूं आपको, इफ यू आर नॉट ऑनलाइन यू आर नॉट इन अ बिजनेस। मेरी बात ध्यान से सुनना एक लाइन में, अगर आप, आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं है। लोग पूछेंगे आपसे कि आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होती है, ऑनलाइन मीटिंग होती है, और आपने बोला नहीं हम तो कभी कभी जाते हैं, मन करता है तो जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं, वो बोलेगा तेरे साथ काम ही नहीं करूंगा। जो रेगुलर जाते हैं, रेगुलर आते हैं, लोग उनके साथ ही जाते हैं, लोग आपको देखते हैं, चेक करते हैं, हम भी देखते हैं, हम भी चेक करते हैं। मैंने अपनी एक सगी बीबी है, एक ही बीबी है मेरी, उसको भी लगा रखा है, 2 बेटे हैं उनको भी लगा रखा है, चेक करो कौन कौन आता है, कौन जाओ, सबकी हाजिरी लगा रखी है मैंने, नोटबुक बना रखी है, पता है आपको, रजिस्टर लोग ही लिमिटेड है, 100 लोग के आसपास आते हैं, सबके नाम लिखे हुए, आज कौन आया, अब्सेंट अब्सेंट अब्सेंट, सोचो आप, पता ही नहीं आपको मैं क्या कांड कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ, कुछ तो करूंगा ना, मैं भी तो दिमाग लगाता हूँ, तो थोड़ा सा होशियार सावधान, कामयाब होना है, यू आर अ डायमंड, जस्ट हैव टू प्रूफ, यस वी आर अ डायमंड। बहुत अच्छा लगा, मजा आया आपकी इस रेगुलर प्रेजेंस के लिए, रेगुलर आपकी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, जितना मैं आपका धन्यवाद करूं, जितना थैंक यू करूं, उतना कम है, क्योंकि अकेले मेरे काम करने से नहीं होने वाला, अकेले आपके नहीं, हम सब मिलकर कर रहे हैं, और यूनाइटेड वी विन, यूनाइटेड वी ग्रो, राइट, टीम मतलब टुगेदर एवरी वन अचीव्स मोर। तो ये टीम वर्क जो आप लोगों ने पेश किया है इन 8 महीनों में, और इससे पहले भी, और पिछले 18 साल में जितने भी लोग जुड़े, बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, आने वाले का भी धन्यवाद, जाने वाले का भी धन्यवाद, आगे का भी पता है, बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, उनका एडवांस में धन्यवाद। ऐसे आप भी ध्यान रखना, बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, आने वाले का धन्यवाद, जाने वाले का धन्यवाद, मीटिंग में आ जाए तो धन्यवाद, नहीं आए तो धन्यवाद, गलती हो जाए तो सॉरी भाई साहब, सॉरी गलती हो गई तो माफ करना, है ना, क्या दिक्कत है, हाथ जोड़ने में क्या दिक्कत है, मैं जोड़ ही रहा हूँ प्रैक्टिकली, गलती हो जाए तो माफ कर देना भाई, बट काम करेंगे तो गलती होगी। हेलो सर, मैं लास्ट में, मैं सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू करना चाहता हूँ जी, चाहे पूनम जी हैं जिन्होंने अभी विशेस दिए हैं, मेरे को काफी सारे मैसेजेस आए हुए हैं, मैं पूनम जी का, जितेंद्र जी का, शालू जी का, संदीप जी का, शोभना गुप्ता जी का, और वासुदेव बगोर जी हैं जो हमारे साथ बोल रहे हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, सुधि शर्मा जी हैं, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, निर्मला जी हैं, रचना जी हैं, मुकेश सिंह जी हैं जो हमारे रिवाड़ी से हैं, मैं सबका थैंक यू करता हूँ कि आपने मेरे को विशेस दी, एंड मुकेश सिंह चौहान जी हैं, लेकिन इनके ऑडियो वीडियो नहीं दिखाई देता ना, आप लोग बिना फोटो के आ रहे हैं, बिना वीडियो के आ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लीडरों को हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, लिमिटेड टाइम है,
पर आज फिर भी हमने लंबा इसलिए किया कि चलो कोई बात नहीं, आज गिफ्ट वगैरह अचीवमेंट वगैरह थी। बिल्कुल सर। और बाकी आप तो शेखर जी आप तो उसमें भी देखिएगा, आपके फेसबुक में बहुत लोगों के कॉम्प्लीमेंट है, रात यही हो जाएगी 12 ही बज जाएंगे आपके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सबको धन्यवाद किया। सर मैं लास्ट में सर यही बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर दिस मच ऑफ विशेस। और मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि रियल में आई रियली थैंकफुल टू गॉड कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस अपॉर्चुनिटी पे खड़ा उतरा, क्योंकि बहुत लोग आते हैं बहुत लोग जाते हैं, बट आई डेडिकेटली वर्क फॉर इट और उसका मेरे को कहते हैं ना एक फल मिला। जो सोचते हैं काफी सारी चीजें हैं कि लोग सोचते हैं जल्दी आ जाए जल्दी मिल जाए, हम उस ईगर से नहीं रहे, हमारा गोल के प्रति जो एक विश्वास था बहुत सॉलिड था जो कि हमने प्रूव किया और हमें मिला। तो आई रियली थैंकफुल टू गॉड टू माय पेरेंट्स जिन्होंने हमेशा कॉन्फिडेंस दिया मेरे को। आई रियली थैंकफुल टू सर टू यू कि आपका कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि आपने मुझे खड़ा किया आपने मुझे सिखाया। एंड आई रियली प्रैक्टिकली थैंक यू टू ऑल द टीम जिनकी वजह से इस पोजीशन पे मैं आज हूँ। आज जो मेरा विजन है, आज मुझे जो मेरा करियर लग रहा है बहुत स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि लोग आज भी डर रहे हैं, चाहे वो 10 साल काम कर गए हैं या 20 साल अपनी किसी भी काम को कर रहे हैं, वो आज भी डर रहे हैं। बट रियल में आज मैं उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ अपने करियर को लेके कि आने वाला जो कल होगा मेरा वो बहुत अलग होगा, बहुत एक लाइफस्टाइल बहुत चेंज होगा। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि हालांकि मैं एक ही चीज बोलता कहता जब तक लोगों को विजन नहीं होता तब तक लोग आगे नहीं बढ़ते, और मुझे ये विजन दिख गया है। तो रियल में थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू टियांस जिसकी वजह से आज एक नेम मेरा बना। और मैं चाहूंगा कि आप जितने भी पैनल में, आप तो हैं ही क्योंकि मैं देखता हूं अभी भी यंगस्टर हैं लेकिन कम है, बट मैं बताना चाहूंगा कि आपके बच्चे हमसे कम नहीं, सब जो है सबको अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो आप एक अपने बच्चों को एक करियर देके जा रहे हैं और ब्रिलियंट करियर है रियल में, कि जिंदगी में कहते हैं नो टेंशन नो परवाह सिर्फ मौजा ही मौजा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त शेखर जी, आपको आपके विजन के लिए, द पीपल हु डोंट हैव द विजन दे पेरिश, ये इंग्लिश का एक नारा है, द पीपल हु डोंट हैव विजन दे पेरिश, जिनका विजन नहीं होता दूरदृष्टि नहीं होती है वो आया राम गया राम, इसका मतलब ये है हिंदी में, ठीक है ना। जिसका विजन नहीं है, टारगेट नहीं है, गोल नहीं है, ड्रीम नहीं है, पैशन नहीं है, बिलीफ नहीं है, आया राम गया राम दे फिनिश। ये मैंने देखा पिछले 18 साल में, आपको भी तो 18 साल होंगे तो आप भी ऐसी भाषा यूज करोगे। बहुत मजा आ गया आज के प्रोग्राम को, आपने चार चांद लगा दिए। कल शाम को फिर मिलेंगे 6:50 पर, इसी जोश के साथ, इसी विश्वास के साथ और इसी उम्मीद के साथ। बेटर टियांस बेटर लाइफ, थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी टुडे, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस, गो गोल्डन लायन, गो गोल्डन लायन, गो गोल्डन लायन, यू आर अ डायमंड, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, see you tomorrow 6:50 sharp, all the best, bye bye.